ओके सो गाइस आज अपन करने वाले हैं डोर चैलेंज, लेकिन अपन कंपेयर करने वाले हैं डे वर्सेस नाइट, क्योंकि गाइस दिन में तो हमारा राज रहेगा इस डोर के पीछे और हम लोग चूज करेंगे कि डोर के पीछे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस रात होते ये डरावने हो जाते हैं और रात में इन लोगों का राज होगा तो ये डोर चैलेंज में सारा का सारा कब्जा इन लोग का हो जाएगा। तो गाइस होने क्या वाला है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पीछे यहाँ पे 5 डोर है और हम लोग भी यहाँ पे टोटल 5 लोग है और हमारे सामने 4 कंटेस्टेंट है, ये लोग जिन्होंने हमें पहले ही बहुत ज्यादा सता चुका है। गाइस अब चौप का, निर्मा का, शिनचैन का, आलोक का, सबका बदला लेगा रे तेरा आर्यन। अब क्या होगा ना गाइस, हर एक डोर हम में से किसी एक को मिलेगा। जैसे फर्स्ट डोर निर्मा का है, ये वाला चौप, ये डोर मेरा, वो शिनचैन का और वो आलोक का। गाइस अब हम चूज करेंगे कि हमें डोर के पीछे क्या रखना है, लेकिन इन पांचों में से कोई एक डोर होगा जो सही होगा और उसके पीछे होंगे पूरे $1,000,000। क्योंकि गाइस अब ये लोग इतना रिस्क लेके अंदर जा रहे हैं तो इनको रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। लेकिन गाइस ये बात इन लोग को नहीं पता होगा कि कौन सा डोर किसका है, तो ये लोग रैंडमली किसके भी डोर में जा सकते हैं। भाई मेरे डोर में है तो मैं तो इन्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। और वैसे ही अगर रात हो गई तो गाइस ये डोर इन लोग ओन करेंगे और फिर हम इनके डोर में जाना स्टार्ट करेंगे, वो वाला टाइम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ठीक है गाइस अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ठीक है अब तुम चारों उधर मुंह करके खड़े हो जाओ और हम लोग जाके अपना अपना डोर चूज कर रहे हैं भाई। ओके ये लोग उधर देख रहे हैं, सब अपना अपना डोर चूज कर लो। मैं तो ये पहला वाला ही करूंगा, लेट्स गो। ओके चलो ठीक है मैं ये वाला डोर लेता हूँ गाइस, लेट्स गो। अरे वाह चलो मैं ये वाला लास्ट वाला ही चूज करता हूँ, लेट्स गो। अरे वाह लेट्स गो गाइस। अरे हम आ जाए क्या? हाँ भाई आ सकते हो, हम चारों ने अपने अपने डोर चूज कर लिए और किसी एक में पैसे मिलेंगे जो कि तुमको नहीं मिलने वाले, ये तो वक्त ही बताएगा। साथियों सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, मैं इस वाले में जाना चाहता हूँ। 3, 2, 1। अरे ये तो टट्टी है। अब आया ना वो टट्टी के नीचे, साथियों हमला करो। अरे बाप रे हमारे स्लेंडर मैन का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, अब मैं सोच समझ कर जाऊंगा। अरे भाई साहब गाइस ये कितना भी सोच ले इसके साथ कुछ ना कुछ तो बेकार ही होने वाला है, क्योंकि गाइस 4 के 4 डोर बेकार है, बस कोई एक सही है, तो इसको एक सही वाला डोर कैसे मिल सकता है। चलो मैं सोच समझ कर इसमें चलता हूँ। 3, 2, 1। अरे वाह तुम यहाँ पहुँच गए, मुझे बहुत नचाया ना हगी वगी तुमने, आज तुम नाचोगे और मैं नचवाऊंगा। नहीं मैं नहीं नाचूंगा, खोलो इसे। अरे आज ये नहीं खुल रहा है, आज तो डीजे भी बजेगा और तू नाचेगा भी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हमने क्या किया भाई, बसंती है तो यहाँ नचवाओ। मुझे लगता है नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे पास स्क्विड गेम वाले भी खड़े हुए हैं, आज वो मेरे साथ है। अगर तुम नहीं नाचे तो तुम्हें भून देंगे गोलियों से, अगर जान प्यारी है तो नाच। नाच मेरे हगी, नाच नाच मेरे हगी। ठीक है ये कितना बोरिंग है। अरे सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग डे। अरे भाई साहब क्या ही डांस कर रहा है। अरे वाह मेरी भी एक बढ़िया फोटो निकाला भाई। अरे वो तो मैं बहक गया था, मैं और नहीं नाच सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई ठीक है। गाइस अब ये रोड्स आइसक्रीम वाला बंदा आ रहा है, देखते हैं अब ये किसे चूज करता है। वैसे इसके पास चॉइसेस कम है, इसके पास सिर्फ 3 डोर बचे हैं, लेकिन गाइस क्योंकि सिर्फ 3 डोर बचे हैं तो इसको काफी आसान भी लग रहा है, क्योंकि गाइस इनमें से एक डोर में से निर्मा मिलेगी और निर्मा जिसको मिलेगी उसको $1,000,000 भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसे मैं या फिर शिनचैन मिलते हैं तब तो कुछ नहीं मिल रहा है और इसे बहुत कुछ छीना जाएगा। अरे भाई साहब गाइस ये बीच वाले डोर में जा रहा है, देखते हैं ये किसका डोर है। 3, 2, 1। ओ भाई शिनचैन का। नमस्ते नमस्ते आइसक्रीम वाले दादाजी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। इसका दिमाग ही किसी ने खा लिया है भाई, ये कहाँ से सोचेगा। हाँ उसका तो दिमाग किसी ने खा लिया है, वो इसलिए नहीं सोच रहा है, लेकिन तू क्यों सोचना बंद कर दिया। आर्यन भाई क्योंकि उसके पास है ही नहीं। अच्छा वो छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। कुछ खास नहीं, आपको सिर्फ नहाना है, इतने गंदे हो गए हो बापरे, आइसक्रीम के भी दाग लगे हैं और खून के भी। अरे सिर्फ नहाना है क्या, हो हो हो। अरे यार गाइस ये शिनचैन ने कैसा डेरा दे दिया, सिर्फ नहाने बोल दिया भाई, इतने मुश्किल से तो इनको परेशान करने का मौका मिला है। अरे यार मुझे लगता है अगर शिनचैन ने दिया है तो कुछ खतरनाक ही होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, देखते हैं गाइस क्या है। गाइस मेरा बाथटब तैयार है और इसमें मैंने चौप की भी मदद ली है। 3, 2, 1। अरे बापरे ये आइसक्रीम वाले चाचा जी तो देखकर ही अकबक आ गए, नहाएंगे कैसे गाइस। चाचा जी अब तो बोल रहे थे सिर्फ नहाना है, आपको नहाना तो है लेकिन ये वाले बाथटब में, अभी मजा आएगा ना।
ओ भाई गाइस मुझे भी देख रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अरे भाई गलत नहीं गिरना, ओ बच गए। गाइस मैं जाने वाला था बाथटब में। शिनचैन भाई डेयर तो तूने बुरा नहीं दिया है, हालांकि तू कुछ और अच्छा भी सोच सकता था, लेकिन ठीक है इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हो हो हो, मैंने तुम्हें उस दिन आइसक्रीम खिलाया और तुम मुझे ये खिला रहे हो। अरे भाई खिला नहीं रहे भाई, बस नहला रहे हैं। देख लो भाई अगर तुम्हें डेयर नहीं करना तो बता दो, हमारे पास एक और सॉल्यूशन है उसका। ठीक है गाइस ये डेयर करने के लिए जा रहा है। अरे भाई साहब, गाइस ये बैठ गया, लेकिन अभी इसके थोड़े मजे और लेने। अरे भाई आइसक्रीम वाले चाचा, आपको थोड़ा सा नीचे और जाना पड़ेगा। क्या है ना, ये डेयर कम्प्लीटली पूरा करना है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है? थोड़ा अंदर जाओ। ओ भाई एक मिनट गाइस, थोड़ी और खींचते हैं। एक मिनट, आप अंदर तो गए, लेकिन थोड़ा सा बस और अंदर जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है, आपको ऐसे ही बस 20 सेकंड और वेट करना है, फिर आप निकल सकते हो। गाइस ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। चौप जल्दी आ, तुमने बुलाया और मैं चला आया, क्या काम है मास्टर? भाई तुझे भी पता है क्या हो सकता है तेरा काम, ये जो यहाँ पे गैप है ना, थोड़ा सा इसे भर दे तो कोई खा लिया शायद। बस इतनी सी बात, 3 2 1। अरे भाई भाई वो उसको सांस नहीं आ रही है भाई, हट जाओ उसे ऊपर आने दे। हो हो हो, तुमने मुझे बड़ा सताया। अरे भाई साहब ये तो भाग ही गया भाई, अपन तीनों ने मिलके उसको ही रुला दिया। मतलब गाइस उसका काम ही बच्चों को डराना है और हमने मिलके उसे ही रुला दिया, इस बात पे 1 लाइक तो बनता है यार। और गाइस अगर आप भी हमारे साथ इन लोगों से लड़ना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अभी ना सिर्फ पेनीवाइज बचा और इसके पास सिर्फ 2 डोर बचे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। देखते हैं ये किस डोर को चूज करता है। एक डोर में इसे मिलूंगा मैं और दूसरे डोर में इसे मिल सकते हैं निर्मोर $1 million। चलो देखते हैं ये किस डोर में आता है। ओ भाई साहब गाइस ये आ रहा है, ये आ रहा है भाई, ये तो मेरे ही उसमें आ रहा है। 3 2 1 लेट्स गो। ओके तो पेनीवाइज वेलकम। भाई तुमने बहुत से बच्चों को डराया है, वो भी क्लाउन बनके। आज मेरी बारी है, मैं यहाँ पे काफी सारे क्लाउन्स लेकर आया हूँ और अब हम तुम्हें कुछ करने वाले हैं। मैं डरता नहीं, डराता हूँ, और ये क्लाउन मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं। क्या तो तुम सारे इसके दोस्त हो? मतलब इसने थोड़े ज्यादा पैसे क्या दे दिए, तुम तो सारे बिक ही गए। अरे भाई तुम सारे मिलके मेरे को मार रहे हो क्या? गाइस अब बहुत हुआ, अब लगता है, ओ भाई अब लगता है हमें भी थोड़ी सी पावर यूज करनी पड़ेगी। 3 2 1 लेट्स गो। अरे भाई कोई तो निपटो। अरे मुझे अब तेरे कोई क्लाउन दोस्त नजर नहीं आ रहे। अरे हम तो दोस्त थे ना। अच्छा दोस्त, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। चल भाई बाजू हट और हवा आन दे। ओके गाइस तो फाइनली हमारा ये राउंड हो चुका है और अब जैसा कि आप देख सकते हो सूरज ढल चुका है, तो अब हम जाने वाले हैं राउंड 2 में, जो कि अंधेरे में होगा, वो भी हॉरर के साथ। अब डोर में जाने की बारी हमारी है, तो गाइस 3 2 1 लेट्स गो। ओके सो गाइस अपन आ चुके हैं सेकंड राउंड में और यहाँ पे 3 3 डोर है। और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 3 डोर क्यों है, क्योंकि गाइस ये चारों एक साथ मिलकर कुछ बहुत खतरनाक प्लानिंग कर चुके हैं और ये सब एक एक डोर ले लेंगे, लेकिन किसी एक डोर में दोनों एक साथ होंगे। गाइस चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ भाई नहीं करते हैं, लेकिन तू फालतू का मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ किसी चीज की कमी लग रही है। मेरे को तो नहीं लग रही है। एक मिनट रुको। अरे भाई तो दूर से भी बोल सकता है। अब ठीक है। अरे भाई साहब ये अंदर पूरे सितारे कैसे आ गए, और फिर से ये पेनीवाइज खतरनाक दिख रहा है। गाइस अब थोड़ा हॉरर लगना स्टार्ट हो रहा है और अब ये लोग डरावने भी लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है दिवाली आ गई भाई, इतनी ज्यादा रोशनी। तेरे लिए तो हर दिन दिवाली है। मैं तो कल ही मालदीव जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है तो बताओ। अरे भाई सामने से पूछ रहा है भाई, बिल्कुल जाना है, बस यहाँ से आज इस चैनल से जिंदा बच जाए। ऐसे है तो मैं भी जाऊंगा। अरे यार मैंने क्या गुनाह किया, मुझे भी मालदीव ले चलो। ठीक है भाई चौप, अपन चारों ही जाएंगे, ठीक है? ओके मास्टर। अरे गाइस बहुत सरप्राइज बात है कि चौप ने हम सबका खर्चा उठाने के लिए हाँ बोल दिया है। और गाइस अगर आपको भी मालदीव जैसी जगह पसंद आती है तो जल्दी से एक सब्सक्राइब करो भाई, अब तो बहुत टाइम हो गया गाइस, एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना। चलो अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ओके एक मिनट, ये सब अंदर जा चुके हैं। गाइस अब वो समय आ गया है कि हमें एक करेक्ट डोर चूज करके अंदर जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइस, पहले चौप को ही भेजते हैं, भाई अपन तो दूर रहते हैं। चौप हगी बोल रहा था कि सबसे पहले तेरे को जाना चाहिए। मैंने तो उसे बोलते हुए नहीं सुना भाई। अरे वो अभी तो बोला है ना शिनचैन, अभी बोला था ना। वही तो चौप, तुझे ही जानना चाहिए पहले, है ना आलोक? अभी बोला ना, चौप सुन नहीं पाया होगा। अरे हाँ यार चौप,
जॉब, तुम बहरे हो गए लगता है, जल्दी जाओ। अरे भाई ये सही हो गया। अरे निर्मा क्या तुमने भी सुना क्या? अरे ये तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो मैं ये वाले में जाता हूँ गाइस, लेट्स गो। अरे वाह ये तो खाली है और यहाँ पे मिल्क शेक और आइसक्रीम मिल रही है। अरे कोई तो मुझको आइसक्रीम दो। अरे बापरे चॉप ने तो बहुत जोर से चिल्लाया, उसके साथ आखिर क्या हो रहा होगा? देख उसके साथ क्या हो रहा होगा वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन तेरे साथ क्या होगा ये जानने के लिए तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो। एक्साइटेड नहीं नर्वस। हाँ मतलब जो भी, पर कुछ तो रहे गाइस, शिनचान जा रहा है, ओके लेट्स गो। गाइस चलो एक मिनट, यहाँ तो कुछ खतरनाक लग रहा है। ठीक है अरिन भाई, अगर मैं नहीं लौटा तो चॉप को बता देना कि मैं उससे भी प्यार नहीं करता था। अरे भाई ठीक है अंदर जा। अरे बाप रे बाप गाइस ये क्या है, लेकिन लगता है ये पूरा का पूरा खाली है। अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। आलोक बेस्ट ऑफ लक, एक ही डोर बचा है तेरे लिए ही है वो। अरे यार तुम क्यों नहीं जा रहे हो ये तो बताओ। भाई देख अगर क्या बोलते हैं, अगर तुम लोग तकलीफ में फंस जाओगे तो कोई तो बचाने वाला होना चाहिए ना, तो मैं बचाऊंगा समझ रहे तू। अरे हाँ ये भी ठीक है गाइस, चलो चलते हैं, डर के ही सही लेकिन अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। गाइस इसे भी मैं सक्सेसफुली बुद्धू बना दिया हूँ, देखते हैं इसके साथ क्या होता है। और अभी शिनचान और चॉप के साथ क्या हो रहा है अंदर वो हमें भी 2 मिनट में पता चलने वाला है गाइस, बस देखते रहो। अरे बाप रे चलो। अरे पेनीवाइज और इतने सारे क्लाउन, बाप रे बाप। पहली नाम सुन के जोकर समझे थे क्या? क्लाउन है मैं। अरे बाप रे पुष्पा का डायलॉग। अरे बाप रे तुम सब ने मुझे घेर क्यों लिया भैया, अब मेरा क्या होगा? अरे बाप रे ये लोग तो मेरे ऊपर आइसक्रीम फेंक रहे हैं गाइस, मैं ठंडी से जम रहा हूँ। कोई तो मुझे बचा लो भाई। अगर तुम्हें यहाँ से बचना है तो इस ठंडी में गाना गाकर दिखाओ। बाप रे इतनी ठंडी में गाना, मुझे सोचना पड़ेगा रुको। हाथ पैर काप काप कर झटका खाएंग, और मैं यहाँ पर ठंड से कप कपाएंग, बॉडी का कुल्फी जम गई। बॉडी का कुल्फी जम गए, ये ठंड खत्म हो जाए तो मुझे बाहर बुला लेना, तब तक मैं गाना गाऊ। आओ एक्स्ट्रा हीटर लगवा दो भाई, मुझे कुछ आइसक्रीम ना ही खाना, शादी भी अभी अभी हुई है, ठंड से मुझको ना ही जाना। अरे वाह लगता है इसे मेरा गाना पसंद आया, ये तो ताली बजा रहा है गाइस, अगर आपको भी आया तो एक लाइक कर दो। अरे बैठ तो गई हूँ, आखिर करना क्या है? मैं तुम्हारे साथ एक क्विज खेलने वाला हूँ। अरे यार मुझे केबीसी खेलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें सताने का बड़ा शौक है। आपकी परछाई देख ही मैं डर रहा हूँ, बाप रे गाइस ये तो बहुत डरावनी है। ठीक है पहला सवाल तुम्हारी जान के लिए। सीधा मेरी जान के लिए गलत दिया तो क्या होगा? नीचे जो खून पड़ा है वो तुम्हारा हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ठीक है पूछो। पहला सवाल चॉप इतनी पॉटी कैसे कर लेता है? ऑप्शन ए क्योंकि वो एक इच्छाधारी कुत्ता है, ऑप्शन बी क्योंकि उसका पेट हमेशा खराब रहता है, ऑप्शन सी वो ज्यादा खाता है इसलिए ज्यादा निकालता है, या फिर ऑप्शन डी उसका पेट है भाई उसकी मर्जी। अरे ऑप्शन डी को लॉक कर दो, जल्दी लॉक करो। बिल्कुल सही जवाब। अरे अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अरे दूसरा सवाल भी है क्या? ये सवाल है पूरे आपकी जान के लिए, अगर गलत गए तो निपट जाओगे। अरे यार फिर से नहीं। ये एक मुहावरा है, इसका है बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, ऑप्शन ए पिज्जा हट का स्वाद, ऑप्शन बी डोमिनोज का स्वाद, ऑप्शन सी मम्मी के घर के हाथ के खाने का स्वाद, या ऑप्शन डी अदरक का स्वाद। अरे यार ये बंदर को किसका स्वाद नहीं पता है यार, मैं तो इंसान हूँ मुझे बंदर की बातें कैसी पता होगी। गाइस इसका आंसर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दो। मैं तो घर के हाथ के खाने का स्वाद बोलूंगा, क्योंकि बंदर की मम्मी घर में थोड़ी पकाती है, वो तो बाहर में पकाती होगी ना। वैसे तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है, लेकिन तुम्हारे बात में लॉजिक लगी मुझे तो सही है। अरे वाह गाइस मेरा जवाब सही रहा, इसका मतलब मैं बच गया, लेट्स गो। अरे भाई अब तो सुबह भी हो गई, तू भी आ गया, चॉप भी आ गया, अब ये आलोक के साथ दिक्कत क्या चल रही है? गाइस रुको मैं पहले ना यहाँ से ना झांक, एक मिनट गाइस अंदर देखो मेरे को
क्लाउन्स दिख रहे हैं, ओ भाई ये पेनीवाइज वाली जगह है। गाइस आपको एक बात बताता हूँ, गाइस पेनीवाइज ना राउंड वन का बदला ले रहा है। आपको याद है राउंड वन में मैंने उसके सारे क्लाउन्स को भाई इतना मारा था कि वो सारे गुस्सा हो गए। अगर मैं जाता तब तो भाई मेरी तो चटनी बनती, लेकिन आलोक चला गया तो गाइस मेरी जगह उसको पूरा का पूरा भुगतान भरना पड़ रहा है। तो गाइस अपने को जाके ना आलोक की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया। अगर हमें अंदर घुसना है तो हमें भी क्लाउन जैसा गेटअप करना पड़ेगा। तो 3, 2, 1 गाइस अपन अभी के लिए क्लाउन गेटअप में आ गए, अब अंदर चलते हैं। और अंदर चल के इनको लेगा हम इनके ही साथ आए, लेकिन हमारे पास एक चमत्कारी गन है, तो आलोक को बचाने के लिए थोड़े पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। 3, 2, 1 लेट्स होप कि कोई फाइंड आउट ना करे। ओके ठीक है, तुमने इतनी देर कैसे कर दी, पहले आना चाहिए था ना। देर हाँ पहले तो आना चाहिए था, लेकिन आलोक हट जा, लेकिन मैं अभी आया हूँ, लेट्स गो। ओ भाई गाइस सब बंदे उड़ रहे हैं, भाई साहब ये बहुत सही लग रहा है, गाइस मजे आ रहे हैं। आलोक भाई भागना स्टार्ट कर। अरे वाह गाइस आलोक बच चुका है और मैं भी अपने रूप में वापस आ गया हूँ। गाइस फाइनली हमने इन सबको बचा लिया। सो गाइस आज अपन करने वाले एक चैलेंज जिसका नाम है चूज द राइट डोर। तो नाम से तो आप समझ ही गए हो कि हमें दोनों में से कोई एक राइट डोर चूज करना है। तो इसमें काफी सारे राउंड्स होने वाले हैं। जैसे पहला राउंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो डोर है, एक तो भाई साहब अमीर और बढ़िया लग रहा है और एक थोड़ा गरीब सा लग रहा है। लेकिन क्या लगता है इन दोनों में से किस में रास्ता निकलेगा, तू बता शिनचैन तुझे क्या लगता है? मैं तो ये व्हाइट और गोल्डन वाला ही चूज करूंगा। अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है तू व्हाइट वाले से जा और मैं इस लकड़ी से जाता हूँ। ओके गाइस ये बढ़िया दिख रहा है, चलो। अरे गाइस ये क्या हो गया, ये वाला चेक करते हैं गाइस। ओके यहाँ पे था रास्ता, इसका मतलब शिनचैन गिर चुका है। इन लोगों के आइडिया के लिए मेरा नो आइडिया हो गया। हाँ तेरी कुर्बानी तो चलती है। एक मिनट, लेकिन ये चॉप और निर्मा कहाँ है? अब वो फिर बेकार सा डायलॉग मारेगा कि चॉप यहाँ है। चॉप यहाँ है। अरे भाई साहब गाइस एक मिनट। ओके ये कार बढ़िया लग रही है, लेकिन उसके ऊपर ये काला डॉगी बढ़िया नहीं लग रहा है गाइस। बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। वैसे तो मेरा सिर्फ चश्मा ही काला, ये सब छोड़ो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये भी काफी सारे राउंड में होगा, तो राउंड वन में जैसे आपको पता है एक डोर से रास्ता निकलेगा और दूसरे में रास्ता नहीं होगा। लेकिन गाइस राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 एंड 5 ये सारे बहुत अलग होने वाले हैं। तो गाइस चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो अभी है राउंड 1 की बारी, सबसे पहले जाएगा कौन? जाएगा मैं ही जाऊंगा, पर याद रखना मैंने सब चीज चेंज कर दिया है। मतलब अगर तुझे लग रहा है कि वो सेम होगा डोर के पीछे तो तू गलत है। मुझे पता है गाइस, मुझे याद है पिछली बार ये गलत था और ये सही था, एक काम करता है इसी से जाता हूँ। अरे हाँ एक चीज तो मैं बताने भूल गया शिनचैन, इस बार ना जो भी तू गलत डोर चूज करेगा उसके पीछे आग लगी होगी। अरे यार मैं तो चुपचाप पानी में गिर जाता, लेकिन अब मुझ पे आग लगेगी। हाँ तो अब सोच समझ के चूज करना। गाइस आर्यन भाई ने तो डरा दिया है, फिर भी मैं इसमें ही जा रहा हूँ, चलो। गाइस गाइस यहाँ पर तो आग है, मैं यहाँ नहीं कूद सकता हूँ। गाइस आई एम अंडर द वाटर। सो गाइस शिनचैन सच में अंडर द वाटर हो चुका है। ओके सो गाइस अब नेक्स्ट टर्न है चॉप और आलोक की। हमारी टर्न में डोर ही बदल दिया तुमने। हाँ डोर नहीं कुछ और भी बदला है। तो देखो अब तुम अंदर जाओगे, लेकिन तुम दोनों के डोर के अंदर एक डेयर होगा, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करने को बोलेगा अंदर जाओगे तो। और तुम्हें जो भी बोला गया अगर वो तुम कर लिए तब तो ठीक है तुम बच जाओगे, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए एक जेल में, मतलब एक जेल जो कि डोर से बनी है उसमें कैद हो जाओगे। ये कैसी दुविधा है, ये जो भी है ऐसे ही है। तो ठीक है तुम दोनों में से पहले चूज कौन करेगा ये डिसाइड कर लो। अरे यार अपने ही पैर में कुल्हाड़ी कौन मारेगा, ये पूछ रहे हो तुम मेरे से? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि डोर कौन डिसाइड करने वाला है। अरे यार मुझे पता है, मैं बस मुहावरा बोल रहा था बुद्धू। चलो आलोक कभी तो सही बोलता है। अरे यार मैं हमेशा सही बोलता हूँ, तुम हो ही गलत। अरे ये सब छोड़ो कौन डिसाइड कर रहा है ये बताओ। मैं ही करता हूँ। तो तू डिसाइड करो चला जा। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है किस में जाऊँ, डोर तो दोनों ही दिखने में बढ़िया है, एक काम करता हूँ यहाँ से झांकता हूँ। गाइस देखो यहाँ से तो सीधा रास्ता दिख रहा है, शायद ये बढ़िया होगा, चलो चलते हैं। गाइस ये तो सही है। ये क्या लिखा है, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग, निर्मा और शीट। गाइस निर्मा और टट्टी के बीच में मुझे चूज करना है, ये मेरे साथ
MCQ क्यों खेल रहे हैं यार? ये दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है गाइस। अब आप ही बताओ, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया ना। ये गेट भी ना ही खुल रहा है, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? गाइस, अगर मैंने निर्मा को चूज किया तो मैं कभी भी पार्टी नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने पार्टी को चूज किया तो कभी मैं निर्मा से नहीं मिल पाऊंगा। हे भगवान, मुझे बचा लो। अरे भाई, ये चॉप तो वापस ही नहीं आ रहा है। एक काम कर आलोक, तू ही चला जा। अरे यार, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ राइट वाला डोर ही बचा है, लेफ्ट तो इसने यूज कर लिया। हाँ, ये तो है, तू राइट वाले डोर पे चला जा फिर। अरे यार गाइस, चलो चलते हैं। बाप रे, ये चॉप तो अभी तक सोच ही रहा है। ठीक है, मैं ही देखता हूँ क्या है। अरे बाप रे, ये क्या लिखा है, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अरे वाह, ये तो मैं कर लूंगा गाइस। और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, लाइक भी करना। अरे यार चॉप, मेरा तो आसान था, तेरा क्या है? बस इतना समझ लो, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है चॉप, बेस्ट ऑफ लक, मैं तो बाहर आ गया गाइस। अरे वाह, ऊपर से ही। अरे भाई, तू कूद फान के आ रहा है, डेयर तो कंप्लीट किया ना तूने, क्या मिला था? अरे वही, लाइक और सब्सक्राइब करना था। अच्छा, तुझे तो बहुत ही इजी मिल गया, ठीक है। और गाइस, आपके लिए भी तो इजी डेयर है, जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना वीडियो को। अरिन भाई, मुझे पता चल गया कि चॉप को क्या मिला है। अरे क्या मिला है? इसे चूज करना है बिटवीन पार्टी एंड निर्मा। अरे भाई, ये तो सिंपल है, निर्मा को करना। ओ नहीं, चॉप के लिए ये सिंपल नहीं है, क्योंकि भाई तुझे मुझे सबको पता है कि चॉप के दिल के कितने करीब है पार्टी। वही तो, अब ये वापस आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसने क्या चूज किया। गाइस, टाइम हैज कम। चॉप, तूने क्या चूज किया? अपने पीछे मुड़ के देख लो। एक मिनट। अरे बाप रे गाइस, निर्मा गायब हो गई, इसका मतलब चॉप ने क्या? एक मिनट, क्या गाइस? चॉप, तूने सच में क्या जो मैं सोच रहा वही किया? मैंने वही किया, मैं मजबूर था। गाइस, चॉप ने निर्मा के ऊपर पार्टी चुन लिया। बाप रे गाइस, मुझे मुझे महसूस नहीं हो रहा है। एक बात बताओ गाइस, क्या चॉप ने सही किया, क्या उसने पार्टी चूज करके सही किया? गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। गाइस, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, अगर मैं पार्टी को गिव अप कर देता तो मुझे कब्ज हो जाता। पर अब मैं निर्मा के बिना कैसे रहूंगा, मुझे ना ही पता गाइस। ओके, सो ये है इनका राउंड 2, और गाइस ये बहुत खतरनाक है। चलो मैं आपको ब्रीफ देता हूँ, लेकिन ये चीज मैं इनको नहीं बताऊंगा भाई, ना ही अपने बीच की बात है, क्योंकि जब ये अंदर जाएंगे तो इनको सरप्राइज मिलेगा। सो सपोज जाने से पहले इन्होंने इनमें से कोई एक डोर चूज किया, और अंदर जाने के बाद, अच्छा ठीक है, आपको भी सरप्राइज मिलने दो, जब कोई जाएगा तो आपको दिख ही जाएगा। चलो ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 2 डोर है, और इनमें से किन्हीं एक डोर पे तुम्हें जो भी सबसे कीमती चीज लगती है ना वो रखी है, और दूसरे डोर पे मतलब जो तुम्हें सबसे पसंद हो, और दूसरे डोर पे वो रखा है जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जिस चीज से तुम चिढ़ते हो। तुम्हें कोई एक सही डोर चूज करना है, और अगर तुमने सही चूज किया तो तुम्हारी पसंदीदा चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात कर रही हो, इसी पल का तो मुझे इंतजार था। इसी पल की तो मुझे घबराहट थी, कुछ गलत ना हो जाए। अरे यार, मुझे तो ना ही इंतजार था ना ही घबराहट, मुझे तो पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ इस दुनिया में। अरे यार गाइस, ये आलोक बहुत ज्यादा क्लूलेस हो रहा है, लेकिन अगर आप इतने क्लूलेस नहीं हो तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता होगा कि वीडियो कहाँ आने वाली है। ओके, अब इनकी बेवकूफी देखते हैं। गाइस, जब ये अंदर जाएंगे तो इनको पहले तो एक सरप्राइज मिलेगा। ओके, तो तुम दिनों में से कौन जा रहा है? मैं ही जाऊंगा मास्टर। अरे अरे मास्टर ना बोल, ठीक है। तो पहले तो ये सोच कि तेरी सबसे कीमती चीज अभी राइट नाउ क्या लग रही है। मुझे तो एक ही चीज लग रही है, वही जो मैंने खो दिया है। अच्छा, दिमाग? अरे नहीं, वो तो मेरे पास था ही नहीं। अच्छा चलो, कम से कम चॉप को पता है भाई, ही सेल्फ अवेयर गाइस। जो मैंने अभी अभी खोया है। सेंस ऑफ ह्यूमर, वो तो इसने सालों पहले ही खो दिया था। अरे जो फर्स्ट राउंड में खोया है मैंने। अच्छा, इज्जत? अरे नहीं यार, अरे जिसके कारण मेरे रातों का नींद चैन सब उड़ जाएगा। अरे रात को तो तू जो ये गले में चेन बांधा है पट्टा, उसे तू उतार देता है ना। ये वाला चैन नहीं, मैंने मुहावरा बोला। तुम लोग कितने बुद्धू हो। अरे हमें पता है, तेरे साथ मस्ती कर रहे थे। वॉशिंग पाउडर निर्मा, पोटी जैसी बदबू चौप से आई। अरे यार, दूर दूर तक भी बदबू पहुंच जाए। निर्मा चौप की
निर्मा। तुम लोग मेरी बेइज्जती करना बंद करो भाई। अच्छा ओके सॉरी चॉप, थोड़ा ओवर हो गया। लेकिन थोड़ा तो फैनी था। ओके गाइस, ये पहला बंदा है, आई मीन ये बंदा भी नहीं है, डॉग ही है, जो कि अपनी बेइज्जती पे हंस रहा है। ओके तो ठीक है, तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता चल चुका है कि क्या है, निर्मा। ठीक है, सही कहा। लेकिन जो चीज तुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वो चीज क्या है, ये बता हमें। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद जो है वो तो मुझे खुद भी नहीं पता है। हाँ तो ठीक है, अगर तू गलत चीज चूज करेगा तो तुझे पता चल जाएगा। ठीक है। ओके गाइस, ये तो मेरे निर्मा का सवाल है। अगर मैं एक भी गलत डोर चूज करूंगा तो मेरा कीमा बन जाएगा। एक काम करता हूँ, बहुत ज्यादा सोच समझ कर चूज करता हूँ। एक है सफेद और एक है ब्राउन, और मैं हूँ काला तो मैं सफेद को ही चूज करूंगा। कहीं तो सफेद ही मिले, निर्मा भी सफेद है। निर्मा मैं आ रहा हूँ। गाइस ये क्या बात हुई, दो डोर के अंदर तीन डोर। ये क्या हो गया गाइस, मैंने इतना सोच समझ के डिसीजन लिया था, दो डोर में चूज करते करते तो मेरा पसीना छूट गया, अब तीन डोर को चूज करते करते पता ना है क्या क्या छूटेगा। ओके लगता है इसे सरप्राइज मिल गया, चेक करते हैं। और चॉप कैसा लग रहा तुझे तेरा सरप्राइज? बहुत ही बेकार। अच्छा चल मैं उस पार जाता हूँ और जाके तेरी मदद करता हूँ। ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा कि किस डोर के पीछे निर्मा है। ठीक है। ओके ओके सो चॉप, मुझे निर्मा दिख गई है। ठीक है। बताओ ना किस डोर के पीछे है वो। अच्छा तू गैस कर कि किसके पीछे होगी। गाइस देखो, चॉप तो मुझ पे विश्वास करेगा नहीं, मैं उसे कुछ भी बोलूं। एक काम कर, बीच वाले डोर से आ जा, तुझे निर्मा मिल जाएगी। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि बीच वाले डोर पे निर्मा नहीं है। शाबाश, यही तो मेरा प्लान था गाइस, थोड़ा तो सक्सीड हो रहा है। प्लीज बता दो ना किस में है। भाई मैंने बता दिया बीच में, बात को समझ यार। अच्छा ठीक है, बीच में ही चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मतलब चॉप मैं क्या बोल रहा था कि तू मुझ पे विश्वास थोड़ी करता है। अरे बीच पे नहीं है यार, मैं मजाक कर रहा था। ओ शिट गाइस, ये आर्यन अपने आप को बहुत देर सा ना समझता है, अगर वह शेर है तो मैं सवा शेर। भाई तू डॉगी है, भूलता क्यों है बार बार। ये कभी नहीं सुधरेगा। आई एम कमिंग निर्मा। गाइस आखिरकार मैं निर्मा से मिल ही गया। हाय हाउ आर यू। गाइस ये मुझसे दूर क्यों भाग रही है, निर्मा रुक जाओ। निर्मा तो भाग गई आर्यन। अरे क्यों? उसने कहा कि मुझसे ज्यादा पार्टी पसंद है तो पार्टी के साथ ही घर बसा लो। अरे ओके हैशटैग सेवेज निर्मा। मतलब भाई देखो, निर्मा की बात गलत नहीं है, अगर चॉप को पार्टी के साथ रहना तो पार्टी के साथ रहे, उसमें निर्मा क्या कर सकती है, बेचारा चॉप अभी उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। अरे भाई ये डोर यहाँ क्या कर रहा है? मैं फिर से अकेला पड़ गया हूँ। चॉप क्या हो गया? मेरे साथ कोई भी नहीं है। चॉप तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। तुम ही मेरा सच्चे भाई हो। भाई भाई नहीं हूँ पर दोस्त हूँ। ओके। अरे भाई चॉप, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं भी तेरे साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं दूर हूँ भाई तेरे से, मस्ती कर रहा हूँ यार। टेंशन मतलब निर्मा छोड़ दी तो छोड़ दी, बट अभी अपन तेरे साथ है। तुम हो साथ तो डरने की क्या बात। हाँ वही, बस तू जब तक साथ है तब तक डरने की बात है। ओके लेट्स गो शिनचान, नेक्स्ट तेरी टर्न है। मैंने तो कहा भी नहीं कि मुझे जाना है। पर जाना तो पड़ेगा ना। ओके ओके जो शिनचान, अभी तेरे सबसे कीमती क्या है? बहुत सारी चीज है, लेकिन अभी तो मुझे चॉकलेट चिप्स खाने का मन कर रहा है। ओके और सबसे नापसंद, अरे लेट मी गेस, शिमला मिर्च राइट? सही कहा। ओके गाइस, ओके जो शिनचान, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। अरे भाई चॉप मुंह बंद रख अपना। कैसे सरप्राइज? अरे कुछ नहीं, तू अंदर जा, पर भाई बहुत सोच समझ के आना। गाइस देखो, कुछ अच्छा मिले या ना मिले, बस शिमला मिर्च से मुलाकात ना हो जाए, बहुत समय से नहीं छुआ हूँ उसे। चलो, ये क्या बात हुई, यहाँ तो तीन तीन डोर है, अब इनमें से किसके पीछे शिमला मिर्च है और किसके पीछे चॉको पाई पता ही नहीं है। मुझे सोच समझ के फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। फू फू फू, अरे मतलब बिना फूके ही रखता हूँ। 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार गाइस, यहाँ तो बहुत सारी
सब्जी और शिमला मिर्च निकला। वहाँ देखो सब बढ़िया बढ़िया खाने का था। कोई नहीं, किस्मत ही खराब है। अरिन भाई वही हुआ जो नहीं होना था। क्या चॉप को दिमाग वापस मिल गया? अरे नहीं, अरे नहीं, वो तो कभी नहीं हो पाएगा। अरे यार मुझे शिमला मिर्च से वापस मुलाकात हो गई। अरे कोई ना शिनचैन। ओके सो आलोक, तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज क्या है? अरे यार तुम सबको तो पता ही है, बहुत सारे डायमंड। अरे हाँ ये बात तो है। और नापसंद? अरे यार वो तो मुझे भी नहीं पता। ओके तू अंदर जाते को पता चल जाएगा। अरे यार गाइस देखो, फ्री के बहुत सारे डायमंड्स लेने का मौका आया है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत बहुत नाप तोल के कदम रखूंगा मैं। एक है सफेद और एक है ब्राउन। गाइस देखो सफेद में अच्छा होता है ये सब सोचेंगे, लेकिन आर्यन जानबूझ के ब्राउन में रखा होगा। चलो चलते हैं, ये लो। अरे यार एक मिनट, यहाँ तो तीन तीन दरवाजे और है। बाप रे, टोटल 5 दरवाजों में से चूज करना पड़ेगा। अरे यार गाइस मेरा तो सर अभी से चकरा रहा है। ओके सो कैसा लग रहा है सरप्राइज? अरे यार ये कोई सरप्राइज देने का तरीका है? अच्छा वो सब छोड़, अब ये सोच कि तुझे डायमंड कहाँ मिल सकता है। तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूँ? अरे यार बिल्कुल नहीं, तुम मदद नहीं करोगे, बस दिक्कत बढ़ाओगे। अरे बिल्कुल सही गैस किया। ओके गाइस इतने सारे, भाई साहब मैं सोच रहा हूँ एक आध दो मैं ही निकाल के चल देता हूँ इधर से। अरे यार मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ? अरे आई मीन कुछ नहीं। अच्छा चलो बताओ कौन सा डोर है। देखो तुम तो विश्वास करोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, वो जो नंबर फर्स्ट पे है ना, ये इधर ये वाला ही है। अरे यार तुम पक्का बोल रहे हो ना? हाँ पक्का बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं बीच वाले पे जाऊंगा। हाँ चला जा। अरे बाप रे, इसका मतलब ये नहीं है और ना ही ये, इसका मतलब गाइस ये वाला है। अरे वाह गाइस, शहर में ढिंडोरा पिटवा दो गाइस, आलोक इज रिच अगेन। हो भाई साहब, भाई आलोक को मिल गए काफी सारे डायमंड्स, बंदा बहुत खुश है, उछल रहा है। ही, तो अब क्यों इतना खुश रही हूँ? ऐसे ही ही, अब बहुत हुआ, अब आप भी जाओ, हमें भी देखना है कि आपको क्या मिलता है। हाँ ये भी है। वही तो, चलो ये बताओ कि सबसे प्यारा क्या है, अभी तुम्हें क्या चाहिए? अरे भाई देखो, अभी करेंटली मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा यही है कि गाइस आप लोग जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक भी कर दो। ओके सो गाइस, आज अपन करने वाले हैं डोर चैलेंज, मतलब इसमें हमारे पास काफी सारे मिस्ट्री डोर्स होंगे और उनमें से कोई एक डोर चूज करना होगा जो कि सही होगा। और अगर हमने सही डोर चूज किया तब तो ठीक है, हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, जैसे कि $1,000,000 या फिर कोई फेवरेट चीज या फिर मालदीव्स की ट्रिप। हाँ मतलब वो भी जीत सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आपने एक भी गलत डोर चूज कर लिया तब तो बवाल होने वाला है, क्योंकि इस बार हमें डोर के पीछे स्क्विड गेम वाले मिलेंगे, मतलब डॉल गार्ड। और अगर हमें डॉल मिल गई तो फिर वो कुछ भी कर सकती है, मतलब एलिमिनेट भी कर सकती है। गाइस चलो फिर चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले कौन जाने वाला है? ये शिनचैन बड़ा चमक रहा है, इसे ही भेजो भाई। ही, चमक तो निर्मा भी रही है, उसे ही भेजना। चलो ठीक है, तुम दोनों को छोड़ो, आलोक भाई तू ही चले जा। अरे यार ये क्या बात हुई, इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है। भाई लॉजिक तो चॉप और निर्मा के बीच भी नहीं है, बट वो भी हमारे साथ है ना। हमारे बीच लॉजिक नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। अरे भाई इतने भारी भारी वर्ड मत बोल, एक काम कर भाई आलोक, तू स्टार्ट कर दे और मैं तेको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देख अंदर तुझे गार्ड्स और स्क्विड गेम की डॉल भी मिल सकती है, और अगर तुझे डॉल मिल गई बाय चांस, उसका पूरा पूरा चांस है कि इसको डॉल मिल सकती है, तो फिर वो तेको एलिमिनेट कर सकती है, तेरे साथ कोई गेम खेल सकती है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है अंदर। तो विश करना कि तुझे डॉल ना मिले बस। अरे बाप रे डॉल, ये स्क्विड गेम वाले कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या? हाँ मुझे तो नहीं लगता, एक काम कर तू स्टार्ट कर फिर। अरे यार चलो ठीक है चलते हैं, एक मिनट, बस मुझे एक ही डाउट था, अगर मुझे गार्ड मिले तब क्या होगा? डॉल तो गेम्स खिलाएंगी। हाँ वो गेम्स तेरे को मजे नहीं आएंगे पर। अच्छा ठीक है, पर गार्ड क्या करेंगे? गार्ड शायद गार्डनिंग करेंगे, बट इस बार गार्डन तुझे समझ लेंगे। अरे बाप रे ये तो डरा रहा है। गाइस देखो तीन डोर है, पहला ये, दूसरा वो और तीसरा ये। गाइस देखो बीच वाले में तो कभी नहीं जाना चाहिए, ये मुझे दादी ने सिखाया है। अरे भाई तेरी दादी को कैसे पता चला कि डोर चैलेंजेस भी होते हैं? अरे मतलब उन्होंने कहा था कि कभी भी बीच में मत पिसो। अच्छा ठीक है, तो तू राइट में जा रहा है? अरे हाँ, लेकिन मेरी दादी ने एक और चीज सिखाई है कि राइट इज ऑलवेज नॉट राइट। अरे तो भाई राइट इज लेफ्ट क्या है, तो तू लेफ्ट में जाएगा? अरे हाँ तुमने सही पकड़ा है, तुम बहुत चालाक हो गए हो। अरे भाई इसमें चालाकी क्या है, मैं चालाक नहीं तू डंब हो रहा है। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। गाइस चलो धीरे धीरे धीरे, लेट्स गो। अरे वाह गाइस ये खाली है।
अरे बाप रे गाइस, ये तो भरा हुआ है। अरे ये जगह अपने आप ही बंद हो गई। अरे यार तोड़ दो इसे, ये ईंट की दीवार क्यों लगा दी है? गाइस अब क्या होगा? बाप रे ये तो डॉल तो मेडिटेशन में बैठ गई है। वेलकम, टुडे वी विल प्ले रेड लाइट ग्रीन लाइट। अरे वाह, बस इतनी सी बात? रेड लाइट ग्रीन लाइट तो मैं बचपन से ही खेल रहा हूँ। इतने बार तो स्क्विड गेम खेल लिया है। गाइस बस इतने दूर जाना है, डोर मेरे 5 कदम की दूरी पर है। चलो ठीक है। अरे वाह ग्रीन लाइट, लेट्स गो। अरे रेड लाइट, ठीक है ओके, 2 मिनट रुकते हैं, बस हिलना नहीं है। अरे वाह ग्रीन लाइट, लेट्स गो। अरे खुल जा। अरे यार ओ नहीं गाइस, रेड लाइट हो गई, अब क्या होगा मेरा? अरे बाप रे गाइस, इसका मतलब जब तक यहाँ पे ग्रीन रेड होते रहेगा मुझे चलना और रुकना है, मैं तो अंदर ही पिसाते रहूंगा लगता है। अरे भाई गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आलोक बाहर आ जाए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। मुझे तो लगता है डीजे आलोक का ही डीजे बज रहा होगा, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में हमारा भी डीजे बजेगा। मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी बारात में डीजे बजे। मेरी शादी कब होगी? अरे हाँ भाई, जॉब मैंने सोचा था कि तेरी शादी करा दूंगा, लेकिन हमारा कमेंट गोल कंप्लीट हुआ नहीं, इसका मतलब तेरी शादी नहीं हो रही है। मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। देखते हैं, टेंशन मत ले, कभी ना कभी तो 15 के होंगे। अगर 15 के कमेंट्स हुए तो फिर ठीक है। अरे यार कहाँ जाओ? अरे एक और डोर आ गया। चलो ठीक है, अभी तो रेड लाइट है। ओके ग्रीन लाइट, लेट्स गो। अरे वाह गाइस, मैं बाहर आ गया। अरे बाप रे, मेरी ही किस्मत खराब थी। हाँ लगता है तेरी दादी का ज्ञान थोड़ा भी काम नहीं आया। अरे हाँ यार, दादी का ज्ञान उल्टा ही पड़ गया। इसीलिए दादी के साथ दादा भी जरूरी होते हैं, जैसे निर्मा के साथ चाव। अरे भाई गाइस, इसको बस मौका चाहिए, जैसे ही मौका मिलता है कहीं ना कहीं से ना अपना नाम जोड़ ही लेता निर्मा के साथ। ओके रुक जाओ, अभी चॉप शिनचान तुम्हारी चांस बची है, और सबकी जगह शिफ्ट होने वाली है, मतलब डॉल अलग होगी, गार्ड्स अलग होंगे और पैसे अलग होंगे। तो रुक जाओ, मैं अभी सबकी जगह शिफ्ट करके आता हूँ। ओके सो मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया है, और अब जाने वाला है हमारा चॉप बेचारा। मैं आज तक नहीं हारा, मैं कैसे हुआ बेचारा? अभी तू जाएगा ना अंदर, उसके बाद तू बेचारा ही बन के आएगा। ओके गाइस देखो, 3 डोर है और जिंदगी का सवाल है। अगर मुझे डॉल मिलती है और अगर वो मुझे एलिमिनेट करती है तो गुवारा ही मरूंगा, और मैं वो ना ही चाहता। और अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं मालदीव जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ गाइस, आलोक की दादी ने बोला राइट इज नॉट राइट और आलोक लेफ्ट में चला गया, इसका मतलब तो बीच वाला ही सेफ है गाइस, मैं बीच में ही जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। अरे बाप रे गाइस, दो गार्ड्स हैं, देखते हैं अब क्या होता है। मैं वापस जा रहा हूँ। अरे खोलो गाइस, ये तो लॉक है। Sing a song and dance for us. ये लोग तो मुझे नचाना चाहते हैं और गवाना भी चाहते हैं। जैसे बसंती कुत्ते के सामने ना ही नाचती, वैसे ये कुत्ता तुम्हारे सामने ना ही नाचेगा। नाचेगा नाचेगा, सब कुछ करेगा। एक मिनट रुको भाई, मुझे बस एक ही गाना आता है। गाइस आपको तो याद ही होगा मेरा वो पुराना गाना, मैंने खुद ही बनाया था। निर्मा और निर्मा, वॉशिंग पाउडर नहीं है तू, कलर से तू है वाइट और फ्यूचर हमारा है ब्राइट। लेकिन चुप, तू तो काला है। मैं हूँ बिल्कुल काला और कड़क, फिर भी नहीं पड़ता उसको थोड़ा भी फर्क। निर्मा और निर्मा, वॉशिंग पाउडर नहीं है। अरे वाह, ये लग तो मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, जिंदगी में पहली बार कोई ताली बजाया है। मैं इमोशनल हो गया हूँ गाइस, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। लगता है अब ये खुलेगा। अरे वाह, मैं तो वापस आ गया। अरे भाई तू इतना खुश क्यों है? तेको $1 मिलियन तो नहीं मिल गए? मुझे उससे भी अच्छा मिला है कुछ। अरे भाई उससे अच्छा तो कुछ था ही नहीं। मुझे तालियां मिली है जिसका मैं भूखा था, मुझे तारीफ मिली है जो तुम कभी नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, असली बात तो यह है तू ले ही नहीं सकता है, तारीफ वाला कोई काम तो किया कर। अरे यार गाइस, अब तो मेरी टर्न आ गई, मुझे तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है। गाइस आर्यन भाई तो ये सबको ट्रांसफर करना भूल ही गए, इसका
इसका मतलब मुझे ये तो कंफर्म है कि बीच वालों में गार्ड्स है और मुझे गार्ड से नहीं मिलना और ना ही डॉल से। मुझे तो $1 million चाहिए। चलो यहाँ पर जाकर देखते हैं गाइस। अरे वाह गाइस, मैं तो जीत गया। लेकिन मुझे ये देखना है कि बाकी के डब्बों में क्या था। अरे बाप रे, यहाँ पे गार्ड्स है। अरे ये तो अभी तक पागल ही हुए हैं। इन्हें चॉप का गाना इतना पसंद कैसे आ गया। अरे यहाँ पर तो ये डॉल है। अरे गाइस, मैं चुपचाप वापस जाता हूँ अपने $1 million लेकर। आर्यन भाई, मैं जीत गया हूँ। एक मिनट, कैसे? ओ शिट गाइस, मैंने बाकी सारे चीजों की जगह बदलना ही भूल गई। वाह, ठीक है, कोई नहीं। अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है। और फर्स्ट राउंड में शिनचान भाई, तुझे $1 million मिल चुके हैं। और चॉप, तुझे क्या? अच्छा, तुझे ताली मिली है भाई। वाह, मैं उससे ही खुश हूँ भाई। अरे यार, मुझे तो टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कोई नहीं, अभी तुम सबके पास राउंड 2 है, उसमें हो सकता है तुम्हें कुछ अच्छा बुरा या फिर कुछ भी मिल जाए। चलो राउंड 2 पे चलते हैं। ओके, सो अब हम आ चुके हैं राउंड 2 पर। एक मिनट यार गाइस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे भाई, ये हम कोई दूसरे राउंड पे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा बनाया नहीं था जिसमें 4 डोर होंगे। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा स्क्विड गेम की डॉल का ही कम है। वो बहुत शातिर है। आर्यन, उसने तो तुम्हें ही ठग दिया। अरे भाई ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओ शिट गाइस, एक मिनट। ओ भाई साहब, गाइस मुझे अभी एक कॉल आया और मुझे ये पता चला कि अपन चारों एक साथ अंदर जाएंगे। हम सबको एक एक डोर चूज करना है और एक साथ अंदर जाना है, इसलिए यहाँ पे 4 डोर है। भाई मुझे लग रहा है स्क्विड गेम वाली डॉल कुछ खतरनाक सोच के रखी है। ठीक है भाई, एक काम करो, सब अपनी अपनी चॉइस से एक एक डोर चूज कर लो। गाइस, मैं तो बीच वाला ही चूज करने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब तुम लोग अपना अपना देख लो। मैं तो पहले ही करूंगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अरे यार, इससे पहले ये डॉगी ले, मैं ले लेता हूँ ये वाला। अरे वाह, ये ठीक है। मुझे हमेशा बचत खुचत माल ही मिलता है गाइस, डोर भी बचा हुआ मिला है। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई फिर अंदर चलते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। एक मिनट, क्या? चलो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे यार देखते हैं। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? चलो गाइस। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? इसका मतलब हम चारों को एक ही डोर। अरे भाई, ये क्या था? बस डोर अलग थे, आना एक ही जगह था। भाई इसके लिए इतने खर्चे क्यों किए? बिना डोर के ही घुस जाते, सीधा यही बुलाना था। तो अब देखते हैं इन लोग कराने क्या वाले। अरे इतनी छोटी सी जगह में क्यों है हम लोग? वेलकम, टुडे वी विल प्ले म्यूजिकल चेयर वंस अगेन। अरे भाई साहब, म्यूजिकल चेयर। गाइस अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने एक बार ऑल म्यूजिकल चेयर खेला था, और इनका म्यूजिकल चेयर बहुत खतरनाक होता है। ये देखो, तो यहाँ पे ये 3 बॉक्स है, और ये 3 बॉक्स जो है ना, ये कभी भी फट सकते हैं। ये एक्सप्लोजिव है, इसमें लिखा भी हुआ है। और गाइस, पिछले बार तो हमने काफी सारे लोगों ने खेला था, लेकिन इस बार हम सिर्फ और सिर्फ 4 है और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब एक तो कोई एलिमिनेट होगा। गाइस यहाँ पे जब ग्रीन लाइट बोलेंगे तो हमें गोल गोल घूमना है, और जैसे ही रेड लाइट होगा हमें किसी भी एक डब्बे के ऊपर चढ़ जाना है। और अगर हमने एक डब्बे के ऊपर अपना पैर रख लिया तब तो अपन बच जाएंगे। लेकिन गाइस अगर अपन डब्बे के नीचे रहे और जो भी बंदा नीचे रहा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो भाई साहब, सायरन की आवाज चालू होने वाला है। चलो भाई, सबको बेस्ट ऑफ लक। वही तो, सबको। अरे तू मत बोल, तू भाई बस कुछ मत बोल तू, ठीक है? आर्यन भाई, मुझे तो अब डर लगने लगा है। भाई मुझे भी, क्योंकि अब तो कोई ना कोई जाएगा ही गाइस हम में से। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस, म्यूजिकल चेयर स्टार्ट हो गया। अरे भाई साहब, ग्रीन लाइट हो गई है, भागो। आर्यन भाई, ये तो बहुत तेज हो रहा है। हाँ तो तू भी तो बहुत तेज है। अरे भाई रुको मत गाइस, कभी भी रेड लाइट हो सकती है। अरे भाई भागो। और कितनी देर भागना पड़ेगा भाई? जब तक रेड नहीं होता तब तक भाग। ओके, रेड लाइट। मैं तो सबसे पहले ही रुक गया, मैं तो बच गया भाई। अरे पागल, रुकना था लेकिन बॉक्स के ऊपर रुकना था। अरे म्यूजिकल चेयर चल रहा है इधर। मुझे लगा सिर्फ रुकना था रेड लाइट में। मेरा क्या होगा? अरे यार गाइस, कहीं चॉप एलिमिनेट ना हो जाए। अरे एक मिनट, मुझे जेल में बंद कर दिया इन्होंने। अरे भाई अभी तो जेल में ही बंद है, अभी दूसरे राउंड के बीच में थोड़ा सा टाइम है, रुको। आर्यन, अगर मैं एलिमिनेट हो गया हमेशा के लिए तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे। अरे भाई मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? तुम ही तो वो हो जो मुझे शादी करने
से रोक रहा था। अरे यार शिट गाइस, अगर ये सच में निपट जाता है और अगर ये कुआरा चला जाता है तो भाई मैं अपने आप को सच में माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई चॉप को कुछ ना हो, वो कैसे भी करके बच जाए। लेकिन अगर मैं एलिमिनेट हो जाऊँ तो निर्मा को बता देना कि अगले जन्म में अगर मैं मच्छर, चींटी, डॉगी, कैमल, हॉर्स कुछ भी बनूं, मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। अरे भाई चॉप इमोशनल मत कर, होके अभी राउंड टू होने वाला है और हम तीनों में से भी अभी कोई जाएगा। ओ भाई साहब ग्रीन लाइट, और गाइस यहाँ पे सिर्फ दो बॉक्स है, मतलब मेरे शिनचैन और आलोक में से कोई बंदा तो निपटेगा। अरे भाई हट जा आलोक। अरे ये आलोक कहाँ कहाँ भाग रहा है। अरे यार मैं जहाँ भी भागू, लेकिन तुम एक बात याद रखना, इस बार मैं नहीं हारूंगा तुमसे। अरे भाई हट जा। अरे यार ये तो चीटिंग है, दोनों मिलके मुझे ही गिरा रहे हो। अरे भाई हम गिरा नहीं रहे, तू सामने आ रहा है। अरिन भाई मैं एलिमिनेट हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे भाई वो एलिमिनेट होने के बाद ही पता चलेगा। अरे यार तुमको मुझसे दिक्कत क्या है। अरे तेरे को दिक्कत क्या है, बार बार सामने क्यों आ रहा है। अरे भाई साहब रेड लाइट। अरे यार चलो जल्दी शिनचैन से पहले। अरे बाप रे नीचे गिर गया। अरे वाह। अरे यार आलोक चाचा जी आप तो मेरे सामने आ गए और आपके चक्कर में मैं एलिमिनेट हो गया। अरे बाप रे ये कहाँ है। तुम भी मेरे साथ आ गए, चलो कम से कम मैं अकेले मत तो नहीं रहा हूँ। जिया तो मैं कुवारा ही। अरे चौप चिंता मत कर, हम नहीं एलिमिनेट होंगे, आर्यन भाई कुछ न कुछ तो करेंगे ही। एक मिनट भाई ये क्या है, वो वाले बॉक्स हट कैसे गए। अरे गाइस इस पे चढ़ना कितना मुश्किल है, ये चढ़ते चढ़ते गिर भी सकता है। हाय और तीनों बॉक्स कितने अजीब से प्लेस्ड है, देखो सब टेढ़े मेढ़े है। चढ़ भी पा रहे हैं, ओके चढ़ तो पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बंदा आ सकता है इसमें। और गाइस अब अपन ऐसे नॉर्मली दौड़ते दौड़ते नहीं चढ़ सकते, मतलब हमें प्रॉपर रुक के ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा। भाई प्रॉब्लम होने वाली है। भाई आलोक बेस्ट ऑफ लक, भाई मैं चाहता हूँ हम दोनों ही जीत जाएं। अरे यार वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, बेकार बात है, क्यों कर रहे हो। अरे भाई मैं हम दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहा था। ठीक है अब मैं सच बोल देता हूँ, भाई मैं चाहता हूँ कि मैं ही जीत जाऊँ। अरे यार वो पहले वाला ही ठीक था, हम दोनों ही जीत जाते हैं। हाँ अब खुश है तू। अरे भाई ग्रीन लाइट लेट्स गो। अरे यार इस बार नहीं हारना है तुमसे। और मुझे धक्का दिया तो उल्टा मारूंगा। अरे मैं नहीं दूं। ए देख तू रुक जाता है ना। अरे यार मुझे फेंक देते हो दूर दूर और बोलते हो मैं रुकता हूँ, फिर से गिरा दिया मुझे। अरे भाई आलोक सॉरी, मैं ये जान के नहीं कर रहा हूँ यार। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, तेज तेज दौड़ के अपनी एनर्जी खत्म करने के बजाय गाइस धीरे धीरे चलते हैं और बॉक्स के दूर नहीं जाते, पास जाते ही आलोक बेवकूफों की तरह दूर जा रहा है। अरे यार मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूँ, तू बहरा है सुन ले। गाइस रुक जाओ, ये जैसे ही दूर जाएगा ना अपना वो रहेगा। अरे ये रुक क्यों गया भाई, रुकना नहीं है। अरे यार मुझे भी पता है। ओके गाइस बस मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। भाई 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 रुकना नहीं है गाइस, क्या होगा। ओके रेड लाइट यस। अरे यार चलो ठीक है, कम से कम इसने चीटिंग तो नहीं करी, जो भी हुआ फेयर हुआ, अब लगता है मैं भी एलिमिनेट हो जाऊंगा। अरे यार ये क्या हुआ। अरे आलोक चाचा जी खुद से ही जेल में क्यों आ गए, हो सकता है आप फाइनलिस्ट हो, आपको जेल में ना डाले। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओके गाइस अपन जीत चुके हैं, अपने को मिलने वाला है अंधाधुन पैसा, क्योंकि आपको पता है स्क्विड गेम जीतो तो क्या होता है। ओके तो मेरा प्राइस कहाँ है, क्या। ओ भाई साहब गाइस, ओके मतलब स्क्विड गेम में इतने ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने का कुछ तो फायदा है, मतलब एटलीस्ट भाई ये सही है। लेकिन गाइस मैं ये लोगों को एलिमिनेट होता नहीं देख सकता हूँ, रुको मैं स्क्विड गेम की डॉल से कुछ बात करता हूँ। ओके गाइस मेरी बात हुई, इसने मेरे को एक ऑफर दिया है, देखो यहाँ पे टोटल रखे हैं $3 million। और गाइस ये प्राइज मनी है, तो ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि देखो गाइस इन लोग को प्राइज मनी देने में इनका भी तो घाटा होता है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं इनको प्राइज मनी वापस लौटा दूं, मतलब मैं जीत के कुछ ना लूं, तो ये लोग उसके बदले में मेरे को मेरे फ्रेंड्स वापस कर सकते हैं। तो गाइस अब $3 million देके अगर दोस्त वापस मिल रहे तो चलता है भाई। और आप मेरे को कमेंट से बताओ क्या मैं ये सही डील कर रहा हूं या नहीं, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है ओके सो डॉल तुम अपने पैसे रख लो और मेरे दोस्त को छोड़ दो। अरे वाह भाई साहब ये लोग छूट गए। एक मिनट गाइस पैसे भी चले गए, अब खुश है ना तू, नहीं मरा तू कुवारा। कुवारा मरा तो नहीं लेकिन कुवारा जीत रहा हूँ। ओके गाइस आज अपन करने वाले हैं डोर चैलेंज, और गाइस क्योंकि आज क्रिसमस है तो सबसे पहले गाइस मैरी क्रिसमस। और गाइस क्रिसमस का दिन है तो एक मौका है, तो आपको तो पता ही है चौप मेरे से क्या मांग सकता है। मुझे भी कोई गिफ्ट दिला दो भाई। ओके मैंने सोचा ठीक है गिफ्ट तो मैं इनको दिला दूंगा, लेकिन गाइस इतने आसानी से नहीं। तो अगर इन्हें
क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए होगा तो इन्हें करना पड़ेगा डोर चैलेंज। मतलब डोर के पीछे इन्हें गिफ्ट तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने गलत डोर चूज कर लिया तो भाई हगी उगी मिल जाएगा या फिर ज़ॉम्बी वाले सांता। लेकिन गाइस अगर इन्होंने सही डोर चूज कर लिया तो फिर इन्हें मिल सकता है क्रिसमस का बहुत बड़ा गिफ्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस ये हमारा फर्स्ट राउंड और भाई यहाँ पे तीन डोर है और गाइस तीनों डोर के अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक डोर में हगी वुगी गाइस, दूसरे डोर में है ज़ॉम्बी सांतास और एक डोर में है सांता क्लॉस। चलो फिर फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बोलना है। हाँ करा रहा हूँ तेरी शादी आज करा रहा हूँ मैं, ठीक है आज की वीडियो में हो जाएगी तेरी शादी। अरे वाह मैं तो कुछ और पूछ रहा था, मैं आई गो टू टॉयलेट पूछने वाला था। क्या ये क्या है भाई? ठीक है फालतू में इसकी शादी करा दूंगा बोल दिया मैं, मेरा ही खर्चा हो जाएगा। ठीक है गाइस इसी को भेजते पहले। तो भाई चॉप क्योंकि आज तेरी शादी होने वाली है, हो सकती है थोड़ा बहुत चांस है। तुमने बोला था कराओगे। हाँ वो डिपेंड करता है अगर तू जिंदा वापस आता है तो, क्योंकि सबसे पहले तू ही जाएगा। और पॉसिबिलिटी क्या क्या है डोर के पीछे, क्या क्या मिलेगा डोर के पीछे? सारी अच्छी चीज है, मतलब कोई ऐसी खराब चीज नहीं है। गाइस सब खराब है एक ही ठीक है, देखते हैं। गाइस वैसे भी क्रिसमस का समय है, इस सब के पीछे तो गिफ्ट ही होंगे। गाइस ये दोनों तो सेम है और वो वाला डिफरेंट है, तो सबसे खतरनाक तो वो ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बीच वाले में ही जाऊंगा गाइस, क्योंकि पिछले बार बीच वाले में बहुत पैसे निकले थे। 3 2 1 लेट्स गो गाइस, ये क्या हो गया? गेट खोलो। अरे नहीं ये यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? गाइस यहाँ पे कुछ तो खतरनाक हुआ है, चॉप वापस क्यों नहीं आ रहा है? गाइस लगता है आज चॉप की शादी नहीं हो रही। मैं वापस आ गया। अरे क्यों आया यार? ये क्या मतलब था तुम्हारा? अरे कुछ नहीं ठीक है। ओके तो नेक्स्ट हमारा शिनचान जाएगा, गाइस देखते हैं इसका क्या होता है। भाई मेरे को तो सेकंड राउंड का वेट है गाइस, फर्स्ट राउंड तो इनको फिर भी इजी ही मिल रहा है, लेकिन सेकंड राउंड गाइस आप भी देखना, सेकंड राउंड अलग है भाई। ठीक है अभी शिनचान को भेजते हैं। अरे भाई मैं वापस तो जरूर आऊंगा ना। अरे तू पूछ रहा है कि बता रहा है? अरे दोनों ही। देख अगर पूछ रहा है तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई चांसेस कम है। अरे यार ऐसे ही क्या गाइस, इसके पहले मैं अंदर जाऊँ? प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, हो सकता है ये मेरा आखिरी समय हो, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलती है लेट्स गो। अरे नहीं ये तो हगी वगी है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ? भाई यार क्या ही लाइटिंग है भाई साहब, इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार, जल्दी से लाइक कर दो। अरे एक मिनट, शिनचान को मिला हगी वगी, तो मुझे मिलेगा सांता क्लॉस। देख भाई कंफर्म नहीं है तुझे सांता मिलेगा या नहीं। अरे लेकिन ये क्या बात हुई, तीनों में से एक में तो सांता है ना। लेकिन भाई सबकी जगह बदल चुकी है, जहाँ पे हगी वगी था वहाँ पे सांता हो सकता है, जहाँ पे सांता था वहाँ पे हगी वगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अरे यार जगह कौन बदल रहा है? अरे वाह गाइस यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, चलो चलते हैं। अरे ये क्या, अरे बाप रे बाप गाइस, अंदर आते इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए गाइस। ये रहा मेरा क्रिसमस गिफ्ट। अरे सांता कुछ बोलो। अरे मत ही बोलो यार, ठीक है कम से कम मैं जीत तो गया। एक मिनट लगता है यही पे क्रिसमस है भाई, अपन भी चलते हैं मजे लेते हैं गाइस, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है गाइस, इस बात पे अपन भी थोड़ा डांस करते हैं भाई, लेट्स गो। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके बांधेला। गाइस देखो सेकंड राउंड में जाने से पहले मैंने सोचा भाई क्रिसमस है इतना नहीं तरसाते, इन्हें गिफ्ट दे ही देते। तो गाइस यहाँ पे अपन खेलने वाले म्यूजिकल चेयर, लेकिन बस एक अलग दिक्कत है, यहाँ पे चेयर्स नहीं होगी भाई, यहाँ पे रखे अलग अलग सरप्राइज है। और गाइस इन्हें जैसे ही म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक क्या मैं ही रेड लाइट ग्रीन लाइट बोल दूंगा, वैसे ही इन्हें ग्रीन लाइट में भागना है और गाइस रेड लाइट में रुक के चढ़ जाना है, और जहाँ पे ये चढ़ गए वो इनका सरप्राइज ब्लॉक्स होगा गाइस, और ये ब्लॉक्स अपने आप ही खुल जाएंगे, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे गिफ्ट तो सबको मिलेगा, लेकिन कोई लकी हो गए जिसे गिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बॉक्सेस के अंदर गिफ्ट नहीं है। ओके सो ग्रीन लाइट। हो भाई ये लोग भाग रहे हैं, गाइस मैं भी इनके साथ थोड़ा बहुत भाग लेता हूँ। अरे तुम क्यों भाग रहे हो भाई? अरे मैं तो भाग रहा हूँ, पर तू क्यों नहीं भाग रहा है? अरे यार फिर से मेरे को गिराना स्टार्ट। ओके गाइस अगर अपन इनको देख के रेड लाइट बोलते तो थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी, तो अपन बिना देखे ही बोल देते हैं, मतलब वैसे तो इस साइड देख रहे पर हमें पीछे का भी दिख रहा है। ओके गाइस ये चॉप तो ऑलरेडी गिव अप कर रखा है। ओके 3 2 1 रेड लाइट। मैं इतने देर से यही खड़ा था।
है। अरे यार ये सही है। रिवर गाइस मैं तो आ गया ऊपर। ओके गाइस जब तक मैं जाऊंगा ये लोग के बॉक्सेस ऑलरेडी गिफ्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। लेट्स गो। ओके भाई साहब शिनचैन को तो लैम्बो मिल रखी है। वही तो गाइस इस बात पे एक लाइक तो बनता है भाई, जल्दी से लाइक कर दो। मुझे क्या मिल गया? अरे भाई ये तेरे यूज का तो नहीं पर मेरे यूज का है। जब तू ज्यादा ही पॉटी करने लगेगा तो मैं तुझे इसके अंदर बंद कर दूंगा। गाइस बेसिकली इसको थोड़ा सा डॉग हाउस क्या डॉग ट्रैप जैसा कुछ मिला है। वैसे तेरे लिए एक वेल डिजर्विंग गिफ्ट है ये। अरे यार इससे अच्छा डॉग फूड ही दे देते। हाँ ताकि तू और। ओके गाइस आलोक को उधर डायमंड मिल रखे। अरे वही तो, अच्छा हुआ इस बार डीजे नहीं मिला। ये डीजे कलेक्ट कर करके मैं डीजे बेचने वाला बन गया हूँ बजाने वाले की जगह। हाँ भाई ये बात भी सही है। ओके नेक्स्ट राउंड गाइस, नेक्स्ट राउंड थोड़ा अतरंगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस तो अब ये म्यूजिकल चेयर से बन चुका है म्यूजिकल कार्स। तो गाइस देखो क्या करना है मैं बताता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे तीन बंदे हैं, चॉप शिनचैन और आलोक, और मैंने ग्रीन लाइट बोल दिया और ये लोग दौड़ रहे हैं भाई पागलों की तरह। क्योंकि गाइस तीन बंदे कार दो है कि नहीं, दो लोगों को कार मिलेगी। चलो चेक करते हैं। अरिन भाई अब क्यों डर रहे हो हमारे साथ, आपने ही तो ग्रीन लाइट बोला है। अरे मैं चेक कर रहा हूँ तुम लोग ईमानदारी से कर रहे हो क्या नहीं। अरे भाई रेड लाइट नहीं बोला अभी मैंने। वो रेड कार को देखकर मैं रुक गया था, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है कोई नहीं। गाइस ये चॉप तो नहीं जीतने वाला, वो डेडिकेटेड लग नहीं रहा है मेरे को। अरे ये आलोक क्यों खड़ा? ओके भाग रहा है। 2-1 रेड लाइट। अरे यार चलो फाइनली। अरे चॉप तुझे रुकना तो था लेकिन यहाँ पर नहीं। बापरे गाइस क्या ही पोजिशन में रुका ये। मुझे लगा रेड लाइट बोलने पर कहीं पर भी बस रुक जाना है। हाँ मतलब वैसा स्क्विड गेम में होता था भाई, पर यहाँ पे तुझे रेड लाइट तो म्यूजिकल चेयर्स पे था, मतलब कार के ऊपर रुकता था बुद्धू। अब तो हिल सकता हूँ ना। अरे हाँ भाई हाँ। गाइस ये अजीब ही बंदा है, इस वीडियो में पता चल जाएगा इसकी शादी हो रही है कि नहीं अभी तक। करा ही देना, देखते हैं गाइस। ओके तो अब ये दोनों जा रहे हैं फाइनल राउंड में। तो गाइस अब यहाँ पे सिर्फ एक चेयर होगी, चेयर से मेरा मतलब है कोई एक गिफ्ट। लेट्स सी। तो गाइस गिफ्ट की जगह मैंने यहाँ पे पैसे ही रख दिया। ये दोनों को घूमना पड़ेगा, जैसे ही रेड लाइट बोलूंगा मैं वैसे ही पैसे के ऊपर जो पहले चढ़ गया भाई ये पूरे पैसे उसके। इसके बाद अपन डोर चैलेंज के राउंड 2 पे जाएंगे और गाइस राउंड 2 स्केरी वाला है। लेट्स सी पहले ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं म्यूजिकल चेयर का। ओके ग्रीन लाइट तो मैंने बोल रखा है, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। 3-2-1 रेड लाइट। अरे वाह आलोक चाचा जी, अरे यार हम दोनों ही चढ़ गए। अरे भाई दोनों ही चढ़ गए लेकिन गाइस मैंने देखा कि आलोक पहले चढ़ाता है ना। अरे हाँ इसका मतलब आलोक को मिलते हैं $1 million। ओके गाइस यहाँ पे सब सही चल रहा है, अब अपन चलते हैं राउंड 2 डोर चैलेंज के जो कि स्केरी। लेट्स गो। ओके गाइस ये हमारा सेकंड राउंड है और मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसा वैसा नहीं है भाई, ये स्केरी है गाइस, ये हॉन्टेड डोर चैलेंज। अरे भाई गाइस इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा, अच्छा आप खुद ही देख लो सबसे पहले जाने कौन वाला है। अरे एक मिनट कहाँ गए लोग? ओ सब एक साथ, आप ही जाओगे? वही तो। अरे हाँ यार हमेशा हमें भेजते हो। अरे गाइस ये क्या बात है, मतलब तुम लोग नहीं जा रहे? अरे यार अभी तो रात भी होने वाली है। गाइस मैंने प्लान किया था कि मैं इन्हें रात में हॉन्टेड हाउस में भेजूंगा लेकिन ये लोग तो मुझे ही भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने एक चीज तो बताया नहीं तुम लोग को कि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर तुम एंड तक पहुंच गए तो तुम्हें प्राइजेस मिल सकते। जो भी हो भैया मैं, अरे क्या कहा, प्राइसेस? हाँ प्राइसेस। मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है, एक काम करते हैं हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ ये सही है। ओके सो रात हो चुकी है, अंदर चलते हैं। तुमने ये नहीं बताया कि रात को जाना था। हाँ रात को ही जाना था गाइस, थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, चलते हैं। ओके गाइस लेट्स गो। ओके कुछ नहीं है। एक मिनट वो क्या था? कितना डरपोक है, ये इतने प्यार से हमें गिटार बजा के गाना सुना रहा है। अरे वाह ज़ॉम्बी तुम तो बहुत अच्छा सुनाते हो भाई। ये देखो यहाँ पे एक सीक्रेट सुरंग है और हमेशा सीक्रेट सुरंग में सोना होता है। लेट्स गो। अरे यार ये मुझे अकेले छोड़ के चला गया, वहाँ पे क्या है? भाई मैं उधर नहीं जा रहा हूँ गाइस, मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि भाई चौप भी नीचे गया, भाई मेरे लिए तो रुक जाता। अरे यार ये पीछे वाला हिस्सा क्यों दिखा रहा है? ओके यहाँ पे कोई भी सोना होना नहीं दिख रहा है लेकिन हो सकता है पीछे कोई सोना हो। लेट्स गो देखते हैं, इधर तो नहीं दिख रहा, यहाँ चेक करते। ओ भाई पेनीवाइज, गाइस भागो यहाँ से। पेनीवाइज बॉयस ऑफ गॉड्स, एक 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 मिनट। ओ भाई स्लेंडरमैन क्या कर रहा है? ओ भाई ये जगह बंद है। अरे भाई ये लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे? गाइस थोड़ी देर शांत रहते हैं, कोई नहीं आ रहा ना। ओके गाइस यहाँ को, ओ
भाई यहाँ पे ये क्या था? अरे भाई ये कैसी जगह पे आ गया हूँ मैं? गाइस अब यहाँ से ना जाने का टाइम आ गया है। ओके गाइस ये अपन अंदर भूल भुलैया पे तो नहीं फंस गए भाई? अब क्या करें? लेकिन गाइस ये जो खून के निशान है भाई, ये कोई तो रास्ता दिखा रहे हैं। रुक जाओ गाइस, ये खून के निशान आखिर कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? ओके शिट, अरे गाइस ये तो पीछे ही पड़ गया। शिट, अब क्या करें भाई? और यहाँ पे पूरे भूल भुलैया है और वो मेरे ही पास आ रहा है। ठीक है गाइस, मैं तो वापस जा रहा। निर्मा आई एम सॉरी। ओ भाई गाइस ये मेरे पीछे पड़ चुका है। अरे 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 ओके लेट्स गो भाई साहब। तुम भी बच गए क्या? हाँ भाई मैं अभी ठीक ठाक हूँ। ओके गाइस ये बंदा भी गिर गया ऊपर से। ये सही था और सुबह भी हो गई। यस 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 गाइस। अरे भाई ये निर्मा को क्या हो गया है? अच्छा सुनो, वो बेहोश हो गई है। उसने कहा वो तभी होश में आएगी जब हमारी शादी होगी। वाह ये क्या बात हुई, ऐसा कोई बेहोश नहीं होता है समझा? हमारे यहाँ ऐसा ही लॉजिक चलता है भाई। अच्छा ठीक है, अपन इसकी शादी करा देते हैं गाइस आज। उससे पहले हमें जाके निर्मा के ओनर से बात करनी पड़ेगी। क्या निर्मा का कोई ओनर भी है? अरे मुझे लगा वो आवारा डॉग है। खबरदार जो निर्मा को आवारा बोला तो। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, मैंने सोचा अब निर्मा के ओनर से जाके बात कर ही लेते हैं इनकी शादी की। ओके चॉप लेट्स गो। ओके एक मिनट चॉप, ये भाई निर्मा के ओनर का घर। ओके गाइस मैं तुम्हें एक चीज पहले ही बता दूं, निर्मा के ओनर का दिमाग थोड़ा छोटा है। हाँ भाई हमने बहुत सारे लोगों से डील कर रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है उसे बाहर आने बोल। वो आता ही होगा। वो आ गया। अरे भाई तूने कहा था दिमाग छोटा है, ये तो इंसान ही छोटा है। हाँ भाई क्या हो गया? एक मिनट, ये आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही है क्या भाई? अरे हाँ भाई कोई दिक्कत है क्या? हमारा नाम है छोटा टकलू, प्यार से लोग हमें छटंकू बुलाते हैं। अच्छा भाई ठीक है, प्यार से तो कोई नहीं बुलाता होगा। भाई चौप ये कैसा ओनर है? मुझे तो लगता है ये ढंग से बड़ा नहीं हो पाया। अरे हमारा शरीर नहीं बड़ा लेकिन हमारा दिमाग बढ़ गया भैया, और तुम्हारा तो कुछ नहीं बड़ा लगता है। अरे ऐसा नहीं है। अरे आर्यन शादी की बात चला भाई। अरे हाँ तो छोटे टकलू जी मैं आपको ये बोलने वाला था कि जो ये निर्मा है ना, हाँ ये निर्मा चौप से शादी करना चाहती है। अच्छा और चौप नहीं करना चाहता है क्या? अरे चौप भी करना चाहता है। ठीक है लेकिन हमारी कुछ शर्त है भैया, हम पहले वो देखेगा कि ये चौप निर्मा के काबिल है कि नहीं है। भाई निर्मा और ये छोटा टकलू तो बहुत मिल रहे हैं, तुम दोनों ने एक ही साथ कपड़ा सिलवाया था क्या? भैया तुम्हारे और तुम्हारे डॉगी ने एक ही साथ दिमाग सिलवाया था क्या? अरे भाई गाइस ये तो थोड़ा सैवेज निकला। तो फिर बताओ कब करनी है शादी, मतलब हम लोग तो कभी भी तैयार है करने के लिए। अरे हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा भैया, शादी से पहले हमको ये चौप को टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मेरा टेस्ट आराम से लीजिए सर जी। मेरे अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है, यहाँ तक कि मैं रोज नहाता भी हूँ और मैं सिर्फ बाथरूम में ही पॉटी करता हूँ। सबसे बड़ा झूठ। अरे हमारा टेस्ट इतना छोटा नहीं है भैया, एक बार तुम हमारा टेस्ट लेकर तो देखो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुलेगा ना। गाइस सच बताओ तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था निर्मा का ओनर ये छोटू टकलू निकलेगा भाई, बहुत खड़ूस है। और ये इतना अमीर कैसे है गाइस? मतलब देख रहे हो आप, इतना बड़ा मैंशन और भाई हेलीकॉप्टर्स भी है गाइस इसके पास। इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दो भाई, मतलब इतनी वीडियोस तो आपने देख रखी है, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है यार। ये देखो ये है डोर चैलेंज। अरे 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 पता है हमको ये क्या है? गाइस ये तो थोड़ा बहुत अपने जैसा निकला, अभी मेरे को ये थोड़ा पसंद आ रहा है, देखते आगे क्या करता है। तो यहाँ दो डोर है भाई, एक डोर के अंदर तुम्हें मिलेगा वो सब कुत्ता जो निर्मा के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया था, और दूसरे डोर में तुम्हें मिलेगी निर्मा। अगर तुम उन कुत्तों से भिड़ जाते हो तो तुम्हारा वो भूसा बना देंगे भैया, और अगर तुम निर्मा के पास पहुंच जाते हो तब तुम्हारी शादी पक्की। ये कैसी बात हुई, मेरे से भी स्मार्ट लोगों ने उससे रिश्ता लेकर आया है क्या? वो तो तुम गेट खोलो और खुद ही जान जाओ भैया। गाइस ये तो बहुत ज्यादा रिस्की हो गया यार, मुझे नहीं पता था कि एक डोर चैलेंज पे मेरी शादी हो जाएगी। एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सोच समझ कर जाएंगे, इन लोगों से पूछ लेता हूँ क्या बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि राइट जा। अरे यार मैं बोलता हूँ लेफ्ट जा। अरे आर्यन ये तो कंफ्यूज कर रहे, तुम बताओ। भाई मैं बोलता हूँ जो भी तेरा दिल बोल रहा है वो कर। ये तो बिल्कुल अंकल टाइप की सजेशन दिया हो तुम।
अरे भाई मैं यहाँ पे तेरे को सजेशन नहीं दूंगा, गलत होगा तो मेरे ऊपर चढ़ेगा तू। ये भी ठीक है गाइस, चलो मैं इसमें जाता हूँ। आई एम सॉरी। अरे गाइस यहाँ तो मुझसे भी बहुत स्मार्ट स्मार्ट कुत्ते आए हैं, लेकिन निर्मल ने इन सब को छोड़ के मुझे चूज किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी। गाइस वो सब तो ठीक है, ये सामने कितना छोटू है। अरे गाइस सुअर भी रिश्ता लेकर आया था। कम से कम सुअर को आने से पहले सोचना तो था। गाइस ये लोग तो मुझे मार रहे हैं, अभी ने बताना पड़ेगा द रियल पावर ऑफ चॉप। बहुत हुआ इन लोगों का। गाइस शिट गाइस, लगता है चॉप बहुत बुरा फंस चुका है भाई, वहाँ से काफी ज्यादा भौंकने की आवाज आ रही है। देखते ओके चॉप बाहर आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। चॉप से पंगा भारी पड़ेगा। मैं आपके पैर छू के आशीर्वाद लूंगा। अरे भाई तुम बाहर कैसे आ गए, एक मिनट चल कर देखते हैं आखिर इसने अंदर क्या। अरे बाप रे ये तो बहुत दमदार कुत्ता निकला। अरे निर्मा तुम्हारी शादी पक्की कर दिए है हम। अरे इको देखो, अरे कैसे बौरा के खुश हो गई है भैया। अरे गेट से जाओ भाई तुम। आखिरकार लगता है आई हैव मेड इट। गाइस फाइनली चॉप ने सही शॉट शादी कर ली भाई अपनी। अरे छोटू टकलू की अंदर से आवाज आ रही है, क्या हो गया उसको, देखता हूँ। गाइस ये भी अजीब कैरेक्टर निकला। ओके एक मिनट, अगर तुम्हें अपना बच्चा प्यारा है तो हमसे लेके चले जाओ। एक मिनट कहाँ गायब हो गए। अरे गाइस इन लोग को लगता है वो मेरा बच्चा है। अरे यार वो मेरा बच्चा नहीं है भाई, वो मुझसे भी बड़ा है आवाज के मामले में। गाइस अब हमें उसे जाके बचाना पड़ेगा, मतलब क्या सीन है यार। ओके सो गाइस आज अपन करने वाले डे वर्सेस नाइट डोर चैलेंज। लेकिन 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 गाइस ये वाला डोर चैलेंज थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको याद होगा अपन ज्यादातर डोर चैलेंज में दो तीन डोर यहाँ पे रखे रहते हैं और फिर हमें कोई चूज करके अंदर जाना है। लेकिन गाइस ये वाले डोर चैलेंज में सिर्फ एक डोर है, ठीक है। और ये जो डोर है ये कोई ऐसा वैसा डोर नहीं है भाई, ये मैजिकल डोर। और गाइस इसके पीछे क्या हो सकता है, तो गाइस सीन कैसा होगा ना, हमें जो भी चाहिए अपन वो चीज इस डोर के सामने बोलेंगे और फिर हमने को डोर के अंदर जाना है और अपने को जो भी चाहिए होगा वो पे एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। जैसे कि कोई रैंप होगा या फिर कोई चैलेंज होगा या फिर कुछ भी कठिन चीज होगी जो हमें करना पड़ेगा और वो करने के बाद हमें वो चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है गाइस, वो जो चीज होगी ना जो भी हमें चाहिए होगा वो हमें कोई और नहीं देगा भाई, वो देंगे हमारे टॉकिंग फ्रेंड्स। यस गाइस, और गाइस ये जो टॉकिंग फ्रेंड्स आएंगे ना इस बार जो आएंगे वो मतलब थोड़े खतरनाक वाले आएंगे, क्योंकि ये दिन का समय है। और गाइस जैसे ही रात का समय होगा जस्ट अपोजिट होगा, सारे टॉकिंग फ्रेंड्स गेट के बाहर होंगे और अपन सारे लोग गेट के अंदर होंगे, तो वो भी देखने में काफी मजा आएगा। अभी फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक्चुअली समझाता हूँ कैसे हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आलोक एग्जाम्पल करके दिखा दे। अरे एग्जाम्पल क्या, इसका मतलब मेरी टर्न ही आ गई है ना। अरे यार ये तो समझ गया। हाँ भाई तेरी टर्न आ गई, जा अपनी टर्न करके दिखा दे। गाइस आलोक तो अपनी टर्न कर रहा है, लेकिन आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, तो आलोक तू जा और अपना टर्न खेल। अरे यार अच्छा चलो ठीक है भाई, तेरे को चाहिए क्या ये तो बता दे। अरे मुझे बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारा चीजें चाहिए यार। अरे अभी जो एक चीज चाहिए वो बताना भाई। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी सी डायमंड्स की कमी हो गई है गाइस, एक काम करता हूँ मुझे डायमंड चाहिए, डायमंड चाहिए तेरे को, तो ठीक है तू गेट के अंदर जा। अरे यार जाते ही मिलेगा क्या वो, तू जा। अरे बाप रे, अरे ये मैं कहाँ आ गया। अरे भाई वो भाई साहब गाइस, तो मैंने जैसा कहा था कुछ तो कठिन चैलेंज होगा और एंड में शायद इसे डायमंड मिल सकता है, लेट्स सी। यहाँ तो कोई डायमंड नहीं है, व्हाट थोड़ा आगे है क्या। ओके ओ भाई ये देखो यहाँ पे डायमंड्स है और गाइस उसके साथ कौन खड़ा है, अपना टॉकिंग टॉम लेके। क्या आलोक यहाँ तक पहुँच पाएगा। अरे यार मुझ पे थोड़ा तो यकीन रखो, मैं जरूर पहुँचूंगा, मुझे डायमंड चाहिए। हाँ वो तो पता है, लेकिन गाइस लेट्स सी क्या आलोक एक्चुअली में पहुँच सकता है। अरे यार अभी तो बताया पहुँच जाऊंगा ना, ठीक है लेट्स सी क्या होता है। अरे यार बता तो दिया कि मैं पहुँच जाऊंगा। अरे भाई तू गुस्सा क्यों जाता है। ओके 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 लेट गो। गाइस देखो आलोक अपने से अच्छा ड्राइवर नहीं है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। अरे यार किसने बोला तुम्हें ये। अरे मैं बोल रहा हूँ और कौन, लेकिन मेरी पूरी बात सुन ले, मैं बोल रहा हूँ आलोक अपने से अच्छा ड्राइवर नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वो एटलीस्ट बहुत ज्यादा घटिया है शायद। अरे यार बेइज्जती कर रहे हो यार, तारीफ पहले क्लियर कर दो। अरे भाई तेरे को दिक्कत क्या है, इतना आसान है ये चैलेंज, ये भी देर से नहीं हो रहा है। अरे हो गया बाप रे, नहीं अरे यार भाई यार भाई आलोक ना एक्चुअली में बहुत बेकार ड्राइवर है। अरे वो सब छोड़ो, ये देखो सीक्रेट रूम, यहाँ पे कोई अपना घर भी बसा सकता है यार, तू क्यों नहीं बसा लेता है। अरे मैं इतने सारे डायमंड्स लेके अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं यहाँ घर क्यों बसाऊंगा यार। ये देखो कैसा लगा। अरे बाप रे बाप, भाई जितने दूर से तू आया था ना उतने दूर वापस पहुंच गए। अरे यार गाइस लगता है आज किस्मत भी खराब है, और आलोक तो पहले से ही खराब था। अरे तुम्हारा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है।
अरे भाई गाइस मेरे को लगता नहीं है आलोक से डायमंड हो पाएगा, क्योंकि अगर तेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही तो शायद ही तेरे को टॉकिंग टॉम डायमंड देगा, लेकिन तुझे जैसे पहुंच गया है। ओके गाइस, अगर आलोक एक्चुअली में डायमंड ले लेता ना भाई, मैं तो सरप्राइज जाऊं कि इतनी बेकार परफॉर्मेंस, मतलब इतनी बेकार, इससे बेकार तो भाई मैंने देखा भाई, मतलब गोल सीधा है उस पे तो मार। अरे यार क्या बताऊं, लगता है आज मेरा दिन और पेट दोनों ही खराब है। गाइस इसके ना एक महीने से पेट खराब चल रहा है, समझ रहे हो भाई, पेट है कि क्या है, पेट है यार, नेटवर्क है गाइस, हमेशा ही खराब रह रहा है। लेकिन भाई साहब एक मिनट, व्हाट गाइस, इसने टॉम के मुंह पे फुटबॉल मार दिया है और टॉम हो गया थोड़ा सा गुस्सा, और एक मिनट शायद ये डायमंड फोड़ रहा है। ओ भाई क्या डायमंड फोड़ दिया इसने, अरे यार टॉम ऐसा क्यों किया टॉम, अरे भाई, अरे यार गाइस टॉम ने गलत किया मेरे साथ। भाई क्या गलत किया, मतलब भाई वो वहां पे तेरे डायमंड लेके बैठा है, तेरा वेट कर रहा है और तू उसके मुंह पे फुटबॉल मार दिया। अरे यार किस्मत फूटी, फुटबॉल भी फूटी, डायमंड भी नहीं मिला, गाइस कुछ नहीं मिला मेरे को। भाई यार गाइस आलोक को तो बुरा लग रहा है, लेकिन आपको अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक कर दो। अरे हाँ यार गाइस, एक लाइक से मुझे थोड़ा खुशी होगा और सब्सक्राइब से बहुत खुशी होगी, गाइस सब्सक्राइब कर दो। अरे भाई गाइस आलोक के साथ तो बुरा ही सीन हो गया। क्या हुआ आलोक के साथ, मुझे भी जानना है। हाँ तू रो क्यों रहा है, मतलब ज्यादा बुरा तो नहीं हुआ ना, मैं थोड़ा सा दुख दिखा रहा था अपना। अरे यार कैसा आदमी है, ठीक है तो देख आलोक के साथ वो हुआ जो नहीं हो रहा था, मतलब उसे जो चाहिए था डायमंड वो उसे नहीं मिला। पर क्यों, उसने तो चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। अरे सीन कैसा हुआ ना, मैं तेरे को बताया था ना एंड में, जो अपना टॉकिंग टॉम है वो उन्हें देने वाला था डायमंड, तो भाई टॉकिंग टॉम के मुंह पे जाके फुटबॉल मार दी उसने, समझ रहा है तू। फुटबॉल, बाप रे ये तो पागल निकला, वही तो फिर उसे नहीं मिला। जब अगला एक काम करते अपन जाते हैं। लेकिन आपको चाहिए क्या मास्टर, ये तो बताओ। मुझे क्या चाहिए गाइस, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने को ना लैम्बो चाहिए यार, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लैम्बो बस इतना ही, हाँ GTA पे। लेकिन मेरे को ना 100 लैम्बो चाहिए। 100 लैम्बो, क्या बोल रहे हो मास्टर, रखोगे कहाँ। अरे रखोगे कहाँ, पहले मिल तो जाए गाइस, मिलेगा या नहीं पहले वो देखते, लेट्स गो। ओ भाई एक ओके अपन आ गए क्या ड्रैम चैलेंज में, देखते हैं एक्चुअली में कैसा है। वेल गाइस आई एम नॉट श्योर कि मेरे को लैम्बो मिल पाएगी या नहीं, मतलब आप देख रहे हो ये क्या है, ये चैलेंज है कि कोई ने, मतलब किसी ने गलती से बहुत सारे रैंप रख दिया ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर फिर भी अपन एंड तक पहुंच जाते हैं ठीक है, मतलब बहुत चीज। एक मिनट व्हाट गाइस, यहां पे मेरे को लैम्बो दिख रही है। ओ भाई इतनी सारी, और यहां पे खड़ा है जो कि हमें लैम्बो देगा, लेकिन वो तभी देगा जब हम उसे गुस्सा ना करें। अच्छा है कि मेरे वाले चैलेंज में फुटबॉल नहीं है गाइस, आपको पता है ना फुटबॉल से क्या होता है, और कुछ बेवकूफ तो उनके मुंह पे ही मार देते हैं। अरे यार तू मेरी बात कर रहा हो, मुझे पता है, बेवकूफ मत बोलो मुझे। अच्छा ठीक है, कुछ महा बेवकूफ तो मुंह पे ही मार देते हैं। अरे 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 नहीं नहीं, बेवकूफी ठीक था यार। अरे भाई आलोक गाइस वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अपने पास जो अभी कार मिली है ना भाई, वो भी बुरी नहीं है बोल रहा था मैं, लेकिन थोड़ी सी बुरी लग रही है। उल्टा लैंड कौन सी कार करती है भाई, गलती कार की नहीं गलती राइडर की है, और राइडर आप मास्टर, बेकार राइडर हो आप। अरे यार चौप ऐसे खुले में बेइज्जती नहीं करते हैं, तो बंद कमरे में करते हैं क्या, फिर मतलब ही क्या होगा। हाँ बात तो तेरी भी ठीक है, लेकिन फिर भी बेइज्जती करते ही नहीं अपने मास्टर की, ठीक है। मास्टर की बेइज्जती नहीं करूंगा तो क्या अपनी करूंगा। अपनी करना, अपनी जितनी बेइज्जती करना है कर। मेरी इज्जत मुझे प्यारी है। ठीक है तेरी इज्जत तुझे प्यारी हो, लेकिन गाइस ये वाला जो चैलेंज है ये मुझे प्यारा है, क्योंकि मेरे को लैम्बो मिलने वाली है। मास्टर इतनी सारी लैम्बो में से एक लैम्बो मेरे और निर्मा के नाम कर देना। निर्मा के अरे यार मेरे उस दर्द में आप नमक क्यों छिड़क रहे हो मास्टर। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, निर्मा का नाम तूने लिया है, आजकल कैसा हो गया ना, निर्मा नहीं है तो जैसे ही निर्मा का नाम लेता है या याद करता है तो उसके बाद इसे बहुत दुख होता है, क्योंकि इसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी गलती के कारण निर्मा अब इसके साथ नहीं है, और ये उसके कारण बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। मास्टर ये सब खुले में नहीं बोलते हैं। हाँ तो क्या बंद कमरे में बोलूं मैं। अरे मेरे साथ ही मेरे जैसा हो गया। हाँ भाई इसको बोलते हैं कर्मा। और लेकिन गाइस अपन जिस टाइप से चैलेंज कर रहे हैं मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है कि अपने को लैम्बो मिल जाएगा, मतलब समझ रहे हो इतनी रफ्तार में कर रहे हैं। आपसे ज्यादा रफ्तार में तो मैं करता हूँ मास्टर। बाथरूम की बात नहीं हो रही है ठीक है ना, अभी अपन रैंप चैलेंज की बात कर रहे हैं। अरे मैं भी
रैंप की बात कर रहा था, लग तो नहीं रहा। अरे भाई गाइस अपन एक्चुअली में रैंप पे आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब सेम रैंप आ रहा है, सेम रैंप आ रहा है। हां मास्टर इसे बोलते हैं रेपिटेटिव रैंप। अच्छा बेटे अब तेरे को मेरे से ज्यादा पता है ना। हां पता है भाई। हां वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि तू पढ़ाई करने लगा है चौप। अर्जुन भाई ये पढ़ाई नहीं करता है, ये चीटिंग करता है, चीटिंग, और इसकी चीटिंग में मदद मैं करता हूं। हां तो जितनी गलती चौप की है ना उतनी गलती तेरी भी है। रियल ये क्या बोल रही हूं। अरे भाई तू उसको चीटिंग करवा के देता है, मतलब भाई अगर तू उसकी हेल्प नहीं करेगा चीटिंग करने में तो एक्चुअली में खुद से पढ़ेगा ना। तो बेटे अगली बार से उसकी चीटिंग में हेल्प करने के बजाय उसे पढ़ाई में हेल्प किया कर। हां लेकिन मेरी कौन सी पढ़ाई है मास्टर। तू एक काम कर चौप, तू इस बारे में पढ़ ले कि निर्मा को वापस कैसे लाएगा। अरे हां इस बारे में पढ़ सकता हूं मैं। ओ भाई गाइस अपन रैंप के एंड के काफी क्लोज है, लेकिन भाई ये रैंप वैसा ही। अच्छा नहीं 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 गाइस कुछ तो यहां पे चेंज हो रहा है, और अपन जिस टाइप से पलट रहे ना गाइस मेरे को लग नहीं रहा है कि इस बार लैम्बो तक जा पाए। ओके 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 ओ भाई ओके वेट 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 भाई कुछ नहीं दिख रहा है। और गाइस इतनी तेज होगी ना कार की क्या बताऊं मैं, लेकिन ठीक है आपको तो पता है कि अपन कोई भी चैलेंज जो एक बार में कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं भाई, फिर चाहे कुछ भी हो जाए लेट गो। ओ भाई गाइस मतलब क्या ही चैलेंज कर रहे हैं हम ये। हां मुझे तो लगता है ये चैलेंज बहुत आसान है। आसान बेटे आसान तो नहीं है, ऐसा मत बोलियो ठीक है। हां ऐसा मत बोलियो नहीं तो हो जाएगा पोलियो। अरे भाई यार कुछ भी बोलता रहता है गाइस। ये एक मिनट मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है क्यों। ओ भाई मुझे सही फील आ रहा था, खतरनाक जंप, खतरनाक लैंड। ओ भाई गाइस ये चैलेंज अब खत्म होने वाला है, और जब मोमेंट ये चैलेंज खत्म हुआ गाइस मैं अपनी 100 की 100 लैम्बो लेके भाग रहा हूं। आधी तो मैं बेच दूंगा भाई, बेच बाज के सखा पैसा मिल जाएगा, और बचत खुचत मैं एक तो चौप और निर्मा के नाम, आई मीन सिर्फ चौप के नाम करूंगा। तो तुम जान के बोल रहे हो मुझे सब पता है। अरे हाँ यार अब मैं तो गलती से बोल दिया। मास्टर एक दिन तुम्हारा भी बुरा समय आएगा। आएगा ही। ओ भाई लेट गो। ओके तो एक लैम्बो तो मैंने खुद ही तोड़ दी, लेकिन अभी हमारे पास काफी सारी लैम्बो है, देखते हैं बेन हमें दे रहा है या नहीं। बाय गाइस ने हमें कांग्रेट्स बोल के लैम्बो हमारे हवाले कर दिया, आप समझ रहे हो। अब मैं एक ट्रक वर्क बुलाता हूँ, इसे लोड करवाता हूँ और लेके जाता हूँ। अरे मास्टर को जो चाहिए था मिल गया, अब मैं भी जाऊंगा। गाइस और मुझे क्या चाहिए आपको तो पता ही है, मुझे चाहिए निर्मा। और गाइस अगर इस डोर के पीछे निर्मा होगी तो मैं चले जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, अगर किसी को भी दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत अपने पास रखे। अपनी दिक्कत सॉरी मुझे जाने दीजिए चाचा जी, प्लीज आशीर्वाद दीजिए। बाप रे ये तो खतरनाक थे भैया। गाइस अब मैं जाता हूँ लेट। हो भाई तो गाइस एक्चुअल फिनिश लाइन जो थी वो ये थी, और अपने पहले ही लैम्बो ले लिए। लेकिन मुझे पता चला है कि जो अपना चौप है वो निर्मा को खोजने निकला है। गाइस निर्मा मिलेगा या नहीं, अगर आपको भी ये जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बता दो नेक्स्ट पार्ट लाना है कि नहीं। गाइस नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा निर्मा मिलने वाली है चौप को या नहीं। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।